हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तड़प तड़प फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये फिल्म कौन सी फिल्म का रीमेक है और ओरिजिनल और रीमेक के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे रीमेक फिल्म कब और कहाँ रिलीज की गई थी हिंदी डब उसका कहाँ पर अवेलेबल है और ये फिल्म आप कहाँ पर ऑफिशियली फ्री में देख सकते हो तो मैं आपको तड़प और जो रीमेक वर्जन है जिसका उन दोनों फिल्म के बारे में डिटेलिंग देने वाला हूँ साथ ही मैं फिल्म कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी पूरी डिटेलिंग दूंगा। इसके अलावा प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे फिल्म की कहानी के ऊपर हम डीप रिव्यू करने वाले हैं फिल्म के रिगार्डिंग प्रॉपर वे में हम एनालिसिस करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी बातचीत करेंगे तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहे तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लुथरिया ने और फिल्म का जो एडेप्टिव राइटिंग है वो किए हुए रजत अरोरा ने विलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर जो ओरिजिनल कहानी थी उसके ऊपर इंडियन हिंदी लैंग्वेज जो नेटिविटी होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी एडेप्टिव स्क्रीन प्ले भी आपको रजत अरोरा का ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से इन लोगों ने मिलकर कहानी को हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए लेकिन जो कोर पॉइंट है वो सेम है अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तो आपको इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नज़र आएंगे साजिद नडियादवाला और फोर स्टार स्टूडियोज जिन्होंने इस फिल्म को खुद की प्रोडक्शन कंपनीज़ यानी कि नडियाद ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोर स्टार स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फोर स्टार स्टूडियो ने किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको आहन सेट्टी जो सुनील सेट्टी के बेटे हैं वो एज ए लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ है इनके अलावा सौरभ शुक्ला कुमुन मिश्रा राजेश खेरा सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केनकरे हसीम हैदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहेल कपूर गीताराम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है वो क्रिएट किया हुआ है जय भूपति ने उसके ऊपर काम किया हुआ है मिलन लुथरिया और रजत अरोरा ने सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल जी पांडे की इस सोरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल धरुरमन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिस तरह से उन्होंने लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था मसूर के सभी लोकेशन को उन्होंने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था एडिटिंग की बात करें तो राजेश जी पांडे जिन्होंने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म है जिन्होंने काफ़ी सार्फ पे में फिल्म की एडिटिंग की हुई है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है जॉन स्टीवर्ट इधूरी ने वहीं पे जो गाने हैं वो क्रिएट किए हुए प्रीतम ने जिन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में टोटल आठ गाने क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कुछ रिप्राइज वर्जन है और कुछ एडिट वर्जन है जिसके मिला के इस फिल्म के टोटल आठ गाने होते तो वो सभी का कंपोजिशन किया हुआ है प्रीतम ने अब बात करें फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो तड़प फिल्म को सॉरी तड़प फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था करीबन 126 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ के आसपास का कारोबार किया हुआ था इस फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को रिलीज करने वाले थे लेकिन कुछ चीज़ों के चलते प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क जो बाकी रह गया था कोविड के चलते उसको कंप्लीट करते हुए साथ ही में थिएटर के ओपन करने होने की वेट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्ट किया गया बाद में फिल्म को तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को फोर स्टार स्टूडियो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन वर्ल्ड वाइड दिलवाई हुई दि थी जहां पे सोलह स्क्रीन इंडिया में थी वहीं पे चार स्क्रीन और में दिलवाई हुई थी जिसका अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मिला हुआ था एज अ एक्टर इस तरह का ओपनिंग काफ़ी बड़ी बात होती है वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद तो तड़प फिल्म को जहाँ पे आहान से लीड रोल में देखने को मिले थे उस फिल्म को पहले दिन पर चार करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन हासिल हुआ था वहीं पे फिल्म ने सेकंड डे पे चार करोड़ बारह लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिर से थर्ड डे यानी कि संडे के दिन फिल्म अप हुई जिसने पाँच करोड़ और पैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म पहले दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते साथ ही में जिस तरह से रोहित आहन से टिका और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही थी तो उस वजह से फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ मिला और फिल्म ने तीसरे दिन पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ कलेक्शन है वो तेरह करोड़ बावन लाख का करके दिखाया हुआ था जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिसका काफ़ी सारा भुरा हाल हुआ था लेकिन उसके सामने कोई न्यू कमर अपनी फिल्म लेके आता है और ये इतनी अच्छी वर्क कर जाती है उसके लिए काबिले तारीफ है दो दिसंबर 2021 तक जब फिल्म का जो कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहां पे टोटल जो ग्रोस कलेक्शन था वो था बत्तीस करोड़ चार लाख तो इस तरह से फिल्म ने अपने तीस दिसंबर तक दो तक इतने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे जो ओवरसीज का जो कलेक्शन तीस दिसंबर दो तक निकल के आया हुआ था वो था दो करोड़ बयासी लाख तो करीबन तीन करोड़ के आसपास वर्ल्ड बाहर से भी फिल्म को कलेक्शन मिला हुआ था ओवरसीज से भी उतना कलेक्ट किया हुआ था जिस वजह से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है वो तब तक करीबन चौतीस करोड़ छियासी लाख के आसपास का कर लिया था तो ये फिल्म करीबन लाइफ टाइम जो कलेक्शन है 35 से 40 करोड़ के आसपास का रहा था कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है और अपनी फिल्म भले रीमेक हो उस फिल्म को थिएटर में लगवाता है और उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला वो भी कोविड 19 के सेकंड वेव के बाद जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी अंतिम आई थी सत्यमेव जयते टू आई थी वो वर्क नहीं करी लेकिन ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखा गए उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म का कंटेंट वैसे भी मजबूत था लेकिन फिर भी कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है तो तुरंत कोई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती लेकिन इस फिल्म के साथ वो पॉजिटिव वाइब ज़रूर नजर आए जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई अब बात करें इस फिल्म के आई के रेटिंग के ऊपर तो फिल्म को करीबन छः पॉइंट एक की आई की, की रेटिंग मिली हुई है दस में से जहाँ पर करीबन छब्बीस वोटिंग की गई है तो छब्बीस वोटिंग में ये रेटिंग डिसेंट है जहां पे जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क करे उस हिसाब से फिल्म की कहानी की रेटिंग भी बड़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है ऑडियंस ने साथ ही में ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई जिसकी वजह से फिल्म का जो लागत लगी हुई थी वो आसानी से पार कर ली थी इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पर ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहीं पर क्रिटिक्स को कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें नजर आई थी लेकिन ओवरऑल फिल्म सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई थी जहाँ पे सेटटी का जो परफॉर्मेंस है उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी वहीं पे दूसरे सभी आर्टिस्ट की भी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से फिल्म की कहानी को हमारे सामने पेश किया हुआ है जो स्क्रीन प्ले उन सभी चीजों में लोगों को जरूर पसंद आई जिस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ जितना कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तड़प फिल्म के अब रिमेक के ऊपर बात करते हैं तड़क तड़प जो ओरिजिनल फिल्म नहीं है हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहां पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बनाया गया था उसका नाम रखा गया था दो जो 2018 में रिलीज की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड जो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया होता जय भूपति ने स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें उनकी थी वहां पर डायलॉग्स में उनको तजुद्दीन सैयद ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने आर एक्स को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क से नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अब बात करते फिल्म के लीड कास्ट की तो वहाँ पे कार्तिकेय गुमा कोंडार पायल राजपूत लीड रोल में देखने को मिले थे जहाँ पे आहन सेट्टी और तारा सुतरे हिंदी वर्जन में रोल प्ले कर रहे वहीं पे तेलुगु वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पर राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिक्स मिसाला गिरिधर ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे फिल्म के जो डायरेक्टर है अजय भूपति उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था शिवा जिसकी कहानी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है उन्होंने ये सभी चीज़ें ये क्रेडिट फिल्म के स्टार्टिंग में भी दी हुई है और फिल्म के एंडिंग में भी दी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने रिविल करके बताया हुआ था और ये दोनों चीज़ें तड़प और आर एक्स दोनों में देखने को मिलती है जो एक अच्छी बात है

टीम इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में दो करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया था जिसको 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया और इसके साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस तरह से ये फिल्म RX100 जो आपको पायल राजपूत और साथ ही में के गुमाकोंडा देखने को मिले थे उन दोनों की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी आर एक्स हंड्रेड के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी सोल्ड आउट किए गए थे जिसको सोल्ड आउट किया हुआ था वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल ने जिन्होंने फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी करवाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को यूट्यूब पर भी प्रीमियर किया हुआ है ये फिल्म आपको यूट्यूब पे आर एक्स हंड्रेड के ही यानी कि सेम नाम के साथ वाम इंडिया मूवीज़ और एडवाइज मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी फिल्म की डबी डबिंग काफ़ी बेहतरीन वे में की गई है इस फिल्म को आप हिंदी डब वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे गाने भी डब किए गए हैं जो भी डिसेंट है ओवरऑल फिल्म की डबिंग अच्छी है जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है उसका जो एक इमोशन है वो फील है वो डबिंग में उतना टूटता हुआ नजर नहीं आएगा वो सभी चीजें लगभग लगभग सेम है जिस वजह से फिल्म का आप डब वर्जन भी देख सकते हो अदरवाइज तेलुगु वर्जन विथ इंग्लिश सब भी देख सकते हो तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे हिंदी डब वर्जन आपको इंग्लिश सब के साथ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जहां पे आर एक्स हंड्रेड के नाम से एडवाइज मीडिया डिजिटल और राम इंडिया मूवीज ने प्रीमियर करवाया हुआ है और आर एक्स हंड्रेड में आपको जो कास्टिंग देखने को मिलती है वहां पर कार्तिकेय जो शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं पायल राजपूत जिन्होंने इंदु का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है राव रमेश जिन्होंने विश्वनाथम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राम की जो डैडी के रोल में दिखाई देते हैं जो स्टेप फादर है शिवा के सॉरी एडोप्टिव फादर बोल सकते हैं महेश जिन्होंने राजू भाई का किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे लक्ष्मण मिसाला जिन्होंने लक्ष्मण वाला किरदार प्ले किया हुआ है गिरिधर के रोल को कोई नाम नहीं दिया गया था तो इस तरह से सभी कास्ट थी जिन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया हुआ था अब बात करें तड़प फिल्म के कास्टिंग की तो तड़प फिल्म में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की कास्टिंग देखने को मिलती है जहां पे फिल्म की कहानी का कोर पॉइंट सेम है जहां पे लीड रोल में हन सेट्टी है जो ईसाना यानी कि डेडी के एडोप्टिव के रोल में दिखाई देते हैं तारा सुतरिया जिन्होंने रमीशां नोटियाल मेहता वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो डायम दामोदर की बेटी और अनुराग की वाइफ के रोल में दिखाई देती है सौरभ शुक्ला जो डेडी का रोल प्ले कर रहे हैं जो ईशाना के एडोप्टिव फादर है कुमुन मिश्रा जिन्होंने एम दामोदर नोटिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जो के के फादर हैं राजेश खेरा इंस्पेक्टर नेगी रोल में दिखाई देते सुमित गुलाटी जिन्होंने एलओएल एल लोल किसाना के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राज विश्वकर्मा जो आदि के रोल में दिखाई देते हैं मंगल केनकर जिन्होंने दार्डी का रोल प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जो काशी के रोल में दिखाई देते हैं इसके अलावा सौरभ चक्रवर्ती जो गुत्थी के रोल में दिखाई देते है गुटली के रोल में दिखाई देते है ब्रिज पुषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवन भंडारी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जो केफी लेडी के रोल में दिखाई देती है गीता राम शर्मा जिन्होंने जिया राम का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक शाह जो अनुराग मेहता रमिशा के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर जिनको जो रोल मिला गया था वो उन्होंने उस रोल को डिसेंट वे में डिलीवर किया हुआ है सभी एक्टर के जो कैरेक्टर थे मैंने आपको डिस्क्लोज करके बता दिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है कहानी की बात करें तो ईसाना जो मसूरी में रह रहे रहे अपने फादर के साथ जिसका रोल प्ले कर रहे आहान शेट्टी और साथ ही में उनका एक कुछ कुछ चीजों के मसला चल रहा है डेडी के साथ में जो रोल प्ले सॉरी और उनका दामोदर नोटियाल जो कुमुद मिश्रा वाला किरदार है उनके साथ कुछ चीजें दिक्कतें आई हुई है वो क्या है

मिल पाते या नहीं उन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी डीप में कहानी में चर्चा की गई है जिससे पहले प्री क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है जो आपको शॉकिंग जरूर कर देगा और अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये वर्जन आपको ज़रूर कनेक्ट करेगा तो जिस तरह से फिल्म की कहानी में ये सभी चीज़ें डाली हुई आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म को जिस तरह से एक एडप्टिव स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एडप्ट किया हुआ था साथ ही में मसूरी के लोकेशंस को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो रोमांटिक एक्शन ड्रामा जोनर था उसको अच्छी तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कवर करके हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा उन सभी सीन्स में जो बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था जिस तरह से फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था मिलन लुथरे जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में अच्छा काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे आगे वो अलग अलग मोड पर लेकर दिखा देते वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था आर एक्स के जो मेकिंग थी उस हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से वहाँ से रीमेक किया गया था जिस तरह से उन्होंने एडिप्टिव स्क्रीन प्ले के साथ जिस से सभी चीजों को दिखाया होता वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी जहां पे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास आसपास की है वहीं पे ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की है तो जो 20-25 मिनट का जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वहां पर आन सिटी और तारा सुतरे और फिल्म की कहानी है वहां पर जो मोड लिए गए जिस तरह से कहानी में जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया था स्टोरी को डेवलप किया गया था वो सभी सीन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे वहीं पे तड़प से फिल्म में वो सभी सीक्वेंस निकाल दिए जिसकी वजह से कुछ जगह पर आपको कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी की कमी न महसूस होगी जो इमोशंस है वो उतने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहीं पर फिल्म की जो स्टोरी है वो भी उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी वो थोड़ी जंप लेती हुई नज़र आएगी जिस तरह से दो जो 20-25 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सभी चीजें आर एक्स हंड्रेड में बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने स्टेब्लिश की हुई है तो ये सभी चीज़ें आपको दोनों फिल्म में डिफरेंस के तौर पे दिखाई देगी बाकी ओवरऑल फिल्म में परफॉर्मेंसिस भी सेम है आन सिटी काफ़ी बेहतरीन वे में कोई कार्तिकी कुमा कोंडा वाला किरदार प्ले कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह से अपना एक डेब्यू दिया हुआ है वहीं पर तारा सुतरिया भी अपने रोल में बढ़िया थी लेकिन जिस तरह से पायल राजपूत ने डिलीवर किया हुआ था ओवरऑल उतनी बेहतरीन तरीके से वो नज़र नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छी थी लेकिन कंपेरिजन करें तो तारा सुतरिया से बेटर आपको पायल राजपूत देखने को मिलेगी बाकी तो सौरभ शुक्ला जो डेडी का

में रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज लेबल के नीचे उसको तीन दिसंबर दो हजार इक्कीस को रिलीज किया गया था जहाँ पे सभी गानों को अरिजीत थी, थी, सिंह और लिरिक्स राइटर इस साथ कामिल थे सभी गानों के लिरिक्स राइटर थे इस साथ कामिल और जो कम्पोजर से कंपोजर थे वो थे प्रीतम दूसरा गाना था तेरा शिवा जग में जिसको गाया हुआ शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह चरण ने तीसरा गाना तू मेरा हो गया जिसको गाया हुआ है जुबिन नोट्याल ने चौथा गाना इसका ना जिसको गाया हुआ बी प्राग डीनो जेम्स पाँचवा गाना था तेरा सिवा जग में कैफे एडिट जिसको गाया हुआ है दर्शन रावल ने छठा गाना ए दिल्ला मर जिसको गाया हुआ है नेहा कक्कर ने सातवा गाना तू मेरा हो गया इनकोर वर्जन जिसको गाया हुआ है जावेद अली ने आठवां गाना तेरे सिवा जग में रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है मोहम्मद इरफान आशीस कौर ने तो इस तरह से सभी गानों की जो लेंथ थी वो थी चौंतीस मिनट पैंतीस सेकंड सभी गाने अच्छी तरह से वर्क कर गए थे फिल्म का जो, जो जोनर था उसके प्रति हिसाब से काफ़ी बढ़िया थे उसकी प्लेसमेंट भी गानों की बढ़िया थी इस फिल्म में साथ ही में जिस तरह से इस एल्बम को रिलीज किया गया था ऑनलाइन टी सीरीज के चैनल पर तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से वर्क कर गया था तो फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर फिल्म वहाँ पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी रोमांटिक ड्रामा एक्शन जोनर इस टाइप की फिल्में रहती है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर गाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर बेहतर थी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में सभी की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में हैंडल किया होता डायरेक्टर ने वो सभी चीज़ें भी अच्छी थी ओवरऑल ये एक एंगेजिंग फिल्म कह सकते हैं जिसे ज़रूर देखा जा सकता है इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है थिएटर में और अब आप देखना चाहते हो तो इसके जो थिएट्रिकल के राइट्स के बाद जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए होस्टार ने पहले कहा जा रहा था कि अमेजोन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई उसके हिसाब से पता चला कि इसके राइट्स बेचे हुए एम सॉरी हॉस्टार वालों ने खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार के साथ इस फिल्म के राइट्स की डील की गई जो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिलीज करवाया हुआ है उन्होंने जब डिजनी हॉस्टार पर इस फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से एक न्यू कमर को थिएटर में रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर रिस्पॉन्स इस फिल्म को ओ टी टी पे भी मिला क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते थिएटर में जिस तरह से फिल्म ने काम किया उसी तरह से फिल्म ने ओ टी टी पर भी कमाल कर दिया पे डिजनी प्लस हॉटस्टार पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई लोगों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आई इस फिल्म को पहले उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेलर रिलीज़ किया गया था जहां पे लोगों ने अपनी जो देखने की इच्छा है वो जताई हुई थी बाद में 28 जनवरी 2022 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला पहले दो दिन फिल्म ने अच्छा खासा व्यूइंग हासिल की हुई थी फिल्म को अच्छे खासे व्यूज़ मिले हुए थे और एक न्यू कमर को इतने व्यूज़ मिलना काफ़ी बड़ी बात है तो तड़प फिल्म को जब ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे सॉरी ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया अट्ठाईस जनवरी 2022 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो अब आपको ये फिल्म अगर देखनी है हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब तो वो डिजनी प्लस हॉस्टार पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज़ फिल्म को आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए डिजनी प्लस हॉस्टार का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं है तो आप ये फिल्म अगर फ्री में देखना चाहते हो तो तेलुगू वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है और शायद शायद दोनों फिल्में सेम है हालांकि आर एक्स हंड्रेड तो बेटर ही होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल विथ हिंदी डब देखना चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब पे वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सेम नाम के साथ ये फिल्म देख सकते हो तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में यानी कि दोनों रीमेक और ओरिजिनल वर्जन दोनों का हिंदी वर्जन आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जिसको आर एक्स के नाम से वाम इंडिया और एडवाइज मीडिया डिजिटल वालों ने अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर दूसरा जो सॉरी रि, रिमेक वर्जन है तड़प वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा सेम नाम यानी कि तड़प के नाम से इंग्लिश सब के साथ जहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो फिल्म को एक यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे फिल्म में कुछ चेंजेस करके फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट हासिल हुआ है जिस वजह से डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप पंद्रह साल से बड़े बच्चे हो तो फिल्म जरूर देख सकते हो बिल्कुल free may with subtitle with subscription तो ये फिल्म आप वहाँ पे जाके इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म को 2019 मार्च में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आर एक्स हंड्रेड के राइट्स खरीदे हुए हैं जो दो की तेलुगु वर्जन है उसके रिमेक राइट्स उनके पास है और वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहंत शेट्टी को लॉन्च करने वाले हैं वहीं पर उनके अपोजिट हमने तारा सुतारिया को कास्ट किया हुआ है बाद में टाइ डायरेक्टर के तौर पर मिलन लूथरे को लिया गया जिन्होंने इस लव सागा को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था उन्होंने कहा हुआ था कि वो इस फिल्म को और भी एक नए मोड के साथ दिखाएंगे जहां पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है फिल्म के जो ट्विस्ट और टर्नस है वो काफी अमेजिंग है वो हिंदी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा और बाद में आहन और तारा के परफॉर्मेंस के लिए पहले रिहर्सल करवाई गई थी जो रिहर्सल वर्कशॉप थे उसको मिलन ने फिल्म की शूटिंग से करीबन एक दो महीने पहले करवाए हुए थे बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी है वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जो सेंट्रल प्लाजा थिएटर है साउथ मुंबई में वहाँ से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म का मेजर पोर्सन आपको मुंबई के जो और मसूरी दो एरिया में देखने को मिलते फिल्म को ओवरऑल जो शूटिंग है वो कम्प्लीट करवाई थी दस मार्च 2021 को जहां पे फिल्म के राइट जो लीड एक्टर है उन्होंने यानी कि आंस सेट्टी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल पे बताया हुआ था कि उनकी पहले फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेमोरी उनके साथ हमेशा साथ में रहेगी तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था बाद में फिल्म को जिस तरह से शेड्यूल किया गया था चौबीस सेप्टेम्बर दो को लेकिन थिएटर में काफ़ी घरित सारी चीज़ें चल रही थी फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी कहीं पे भी थिएटर बंद भी थे तो इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में वर्ल्डवाइड फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको डिसेंट रिस्पॉन्स मिला किसी डेब्यूडेंट एक्टर के लिए इतना डिसेंट रिस्पॉन्स भी वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद अच्छी खासी बात होती है और इस तरह से फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था ये वो जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा उसके बाद फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज करने वाले थे जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास थे लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म के प्रोड्यूसर और अमेजॉन प्राइम वीडियो के बीच में डील कैंसिल हो गए उसके बाद फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचा गया जिन्होंने इस फिल्म को अट्ठाईस जनवरी दो को डिजनी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पर अच्छा खासा अमंगस

चैनल पे आप वो फिल्म देख सकते हो तो गाइज ये दोनों फिल्म आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी जहां पे पे, डब में देखने को मिलते हैं वहीं पे फिल्म को डिजनी प्लस हो पे वहां पे तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑफिशियली आप इस फिल्म को इंजॉय कर सकते हो तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लुथरिया ने और फिल्म का जो एडेप्टिव राइटिंग है वो किए हुए रजत अरोरा ने बिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर जो ओरिजिनल कहानी थी उसके ऊपर इंडियन हिंदी लैंग्वेज जो नेटिविटी होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी एडेप्टिव स्क्रीन प्ले भी आपको रजत अरोरा का ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से इन लोगों ने मिलकर कहानी को हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए लेकिन जो कोर पॉइंट है वो सेम है अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तो आपको इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नज़र आएंगे साजिद नडियादवाला और फोर स्टार स्टूडियोज जिन्होंने इस फिल्म को खुद की प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि नडियाद ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और फोर स्टार स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फोर स्टार स्टूडियो ने ही किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको आहन सेट्टी जो सुनील सेट्टी के बेटे हैं वो एज ए लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ है इनके अलावा सौरभ शुक्ला मिश्रा, राजेश सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केनकरे हसीम हेदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहेल कपूर गीताराम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुक साल, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है वो क्रिएट किया हुआ है जय भूपति ने उसके ऊपर काम किया हुआ है मिलन लुथरिया और रजत अरोरा ने सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल जी पांडे की इस सोरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रगुल धरुरमन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिस तरह से उन्होंने लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था मशूर के सभी लोकेशन को उन्होंने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था एडिटिंग की बात करें तो राजेश जी पांडे जिन्होंने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म है जिन्होंने काफ़ी सार्थ में फिल्म की एडिटिंग की हुई है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है जॉन स्टीवर्ट इधूरी ने वहीं पे जो गाने हैं वो क्रिएट किए हुए प्रीतम ने जिन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में टोटल आठ गाने क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कुछ रिप्राइज वर्जन है और कुछ एडिट वर्जन है जिसके मिला के इस फिल्म के टोटल आठ गाने होते हैं तो वो सभी का कंपोजिशन किया हुआ है प्रीतम ने अब बात करें फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो तड़प फिल्म को सॉरी तड़प फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में 3 दिसंबर 2021 को थियेटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था करीबन 126 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ के आसपास का कारोबार किया हुआ था इस फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज करने वाले थे लेकिन कुछ चीज़ों के चलते प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क जो बाकी रह गया था कोविड के चलते उसको कंप्लीट करते हुए साथ ही में थिएटर के ओपन करने होने की वेट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्ट किया गया बाद में फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को फोक्टार स्टूडियो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को करीबन 2107 सौ साठ वर्ल्ड वाइड दिलवाई हुई थी जहां पे 1656 स्क्रीन इंडिया में थी वहीं पे चार स्क्रीन ओवरसीज में दिलवाई हुई थी जिसका अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मिला हुआ था एज डेबिडेंट एक्टर इस तरह का ओपनिंग काफ़ी बड़ी बात होती है वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद तो तड़प फिल्म को जहाँ पे आहान सेटी लीड रोल में देखने को मिले थे उस फिल्म को पहले दिन पर चार करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन हासिल हुआ था वहीं पे फिल्म ने सेकंड डे पे चार करोड़ बारह लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिर से थर्ड डे यानी कि संडे के दिन फिल्म अप हुई जिसने पाँच करोड़ और पैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म पहले दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते साथ ही में जिस तरह से रोहित आहन से टिका और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही थी तो उस वजह से फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ मिला और फिल्म ने तीसरे दिन पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ कलेक्शन है वो तेरह करोड़ बावन लाख का करके दिखाया हुआ था जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिसका काफ़ी सारा बुरा हाल हुआ था लेकिन उसके सामने कोई न्यू कमर अपनी फिल्म लेके आता है और ये इतनी अच्छी वर्क कर जाती yeah उसके लिए काबिल तारीफ है तीस दिसंबर दो तक जब फिल्म का जो कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहाँ पर टोटल जो ग्रोस कलेक्शन था वो था बत्तीस करोड़ चार लाख तो इस तरह से फिल्म ने अपने तीस दिसंबर तक दो तक इतने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर जो ओवरसीज़ का जो कलेक्शन 30 दिसंबर 2021 तक निकल के आया हुआ था वो था दो करोड़ बयासी लाख तो करीबन तीर तीन करोड़ के आसपास वर्ल्ड बाहर से भी फिल्म को कलेक्शन मिला हुआ था ओवरसीज से भी उतना कलेक्ट किया हुआ था जिस वजह से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है वो तब तक करीबन 34 करोड़ आसपास का कर लिया था तो ये फिल्म करीबन लाइफ टाइम जो कलेक्शन है पैंतीस से चालीस करोड़ के आसपास का रहा था कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है और अपनी फिल्म भले रीमेक हो उस फिल्म को थियेटर में लगवाता है और उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला वो भी कोविड नाइन्टीन के सेकंड वेव के बाद जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी अंतिम आई थी सत्यमेव जयते टू आई थी वो वर्क नहीं करी लेकिन ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म का कंटेंट वैसे भी मजबूत था लेकिन फिर भी कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है तो तुरंत कोई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती लेकिन इस फिल्म के साथ वो पॉजिटिव वाइब ज़रूर नजर आया जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई अब बात करें इस फिल्म के आई के रेटिंग के ऊपर तो फिल्म को करीबन 6.1 पॉइंट एक की आईएमडीबी की रेटिंग मिली हुई है दस में से जहां पे करीबन २६०० वोटिंग की गई है तो २६०० वोटिंग में ये रेटिंग डिसेंट है जहाँ पे जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क करी उस हिसाब से फिल्म की कहानी की रेटिंग भी बड़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है ऑडियंस ने साथ ही में ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई जिसकी वजह से फिल्म का जो लागत लगी हुई थी वो आसानी से पार कर ली थी इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पर ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहीं पर क्रिटिक्स को कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें नज़र आई थी लेकिन ओवरऑल फिल्म सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई थी जहां पे आहन सेट्टी का जो परफॉर्मेंस है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी वहीं पे दूसरे सभी आर्टिस्ट की भी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से फिल्म की कहानी को हमारे सामने पेश किया हुआ है जो स्क्रीन प्ले उन सभी चीज़ों में लोगों को ज़रूर पसंद आई जिस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैंतीस करोड़ जितना कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तड़प फिल्म के अब रीमेक के ऊपर बात करते हैं तड़प तड़प जो ओरिजिनल फिल्म नहीं है हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बनाया गया था उसका नाम रखा गया था आर एक्स हंड्रेड जो 2018 में रिलीज की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड जो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया होता जय भूपति ने स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें उनकी थी वहाँ पर डायलॉग्स में उनको तजुद्दीन सैयद ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने आर को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कार्तिक क्रिएटिव वर्क से नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अब बात करते हैं फिल्म के लीड कास्ट की तो वहां पे कार्तिकेय गुमा कोंडार पायल राजपूत लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे आहन सेट्टी और तारा सुतरे हिंदी वर्जन में रोल प्ले कर रहे वहीं पे तेलगू वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण कास्ट में देखने को मिले थे, फिल्म के जो डायरेक्टर है, उनके एक थे जिसका नाम था सीवा, जिसकी कहानी के ऊपर उन्होंने ये सभी चीजें ये क्रेडिट फिल्म के स्टार्टिंग में भी दी हुई और फिल्म के एंडिंग में भी दी हुई है जहां पर काफी सारी चीजों को उन्होंने रिविल करके बताया हुआ था और ये दोनों चीजें तड़प और आर एक्स हंड्रेड दोनों में देखने को मिलती है जो एक अच्छी बात है कि

थी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में दो करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया था जिसको 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया और इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस तरह से ये फिल्म RX100 जो आपको पायल राजपूत और साथ ही में कार्तिकी गुमाकोंडा देखने को मिले थे उन दोनों की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी आर एक्स हंड्रेड के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी सोल्ड आउट किए गए थे जिसको सोल्ड आउट किया हुआ था वाम इंडिया मूवीज़ और एडवाइज मीडिया डिजिटल ने जिन्होंने फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी करवाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को यूट्यूब पर भी प्रीमियर किया हुआ है ये फिल्म आपको यूट्यूब पे आर एक्स हंड्रेड के ही यानी कि सेम नाम के साथ वाम मूवीज़ और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी फिल्म की डबे डबिंग काफ़ी बेहतरीन वे में की गई है इस फिल्म को आप हिंदी डब वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे गाने भी डब किए गए हैं जो भी डिसेंट है ओवरऑल फिल्म की डबिंग अच्छी है जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है उसका जो एक इमोशन है वो फील है वो डबिंग में उतना टूटता हुआ नजर नहीं आएगा वो सभी चीज़ें लगभग लगभग सेम है जिस वजह से फिल्म का आप डब वर्जन भी देख सकते हो अदरवाइज तेलुगु वर्जन विथ इंग्लिश सब भी देख सकते हो तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी डब वर्जन आपको इंग्लिश सब के साथ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड के नाम से एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने प्रीमियर करवाया हुआ है और आर एक्स हंड्रेड में आपको जो कास्टिंग देखने को मिलती है वहाँ पे कार्तिके जो शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं पायल राजपूत जिन्होंने इंदू का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है राव रमेश जिन्होंने विश्वनाथम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर राम की ज्यो के रोल में दिखाई देते हैं जो स्टेप फादर है शिवा के सॉरी एडोप्टिव फादर बोल सकते हैं महेश जिन्होंने राजू भाई का किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे लक्ष्मण मिसाला जिन्होंने लक्ष्मण वाला किरदार प्ले किया हुआ है गिरिधर के रोल को कोई नाम नहीं दिया गया था तो इस तरह से सभी कास्ट थी जिन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया हुआ था अब बात करें तड़प फिल्म के कास्टिंग की तो तड़प फिल्म में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की कास्टिंग देखने को मिलती है जहाँ पे फिल्म की कहानी का कोर पॉइंट सेम है जहाँ पे लीड रोल में हन सेट्टी है जो ईसाना यानी कि डैडी के एडोप्टिव सन के रोल में दिखाई देते हैं तारा सुतरिया जिन्होंने रमीशान नोटियाल मेहता वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो डायम दामोदर की बेटी और अनुराग की वाइफ के रोल में दिखाई देती है सौरभ शुक्ला जो डेडी का रोल प्ले कर रहे हैं जो ईसाना के एडोप्टिव फादर है कुमुन मिश्रा जिन्होंने एम दामोदर नोटियाल का रोल प्ले किया हुआ है जो रमीशा के फादर है राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर नेगी के रोल में दिखाई देते हैं सुमित गुलाटी जिन्होंने एलओएल लोल यानी किसाना के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राज विश्वकर्मा जो आदि के रोल में दिखाई देते हैं मंगल किनकरे जिन्होंने दाढ़ी का रोल प्ले किया हुआ है हसीम एदर जो कासी के रोल में दिखाई देते हैं इसके अलावा सौरभ चक्रवर्ती जो गुत्थी के रोल में दिखाई देते हैं गुटली के रोल में दिखाई देते ब्रिज पुषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवन भंडारी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जो केफी लेडी के रोल में दिखाई देती है गीता राम शर्मा जिन्होंने जिया राम का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक शाह जो अनुराग मेहता रमीषा के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मल मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर जिनको जो रोल मिला गया था वो

वो फिल्म की स्क्रीन प्ले के हिसाब से धीरे धीरे रिवील किया जाता है फिल्म में आपको जो, तारा और आहन जो देखने को मिलती है वो बढ़िया है जिस दिखाया हुआ है उन सभी सीन को, को काफी बढ़िया फिल्म के स्टार्टिंग में सेट किया हुआ था और ये क्रेजी रिलेशनशिप किस तरह से आगे मोड़ लेता है इसके अलावा फिल्म के एंडिंग में क्या होता है फिल्म की एंडिंग में दोनों कैरेक्टर यानी कि दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे से मिल पाते या नहीं उन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी डीप में कहानी में चर्चा की गई है जिससे पहले प्री क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है जो आपको शॉकिंग जरूर कर देगा और अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये वर्जन आपको ज़रूर कनेक्ट करेगा तो जिस तरह से फिल्म की कहानी में ये सभी चीज़ें डाली हुई आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म को जिस तरह से एक एडेप्टिव स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एडप्ट किया हुआ था साथ ही में मसूरी के लोकेशन को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो रोमांटिक एक्शन ड्रामा जोनर था उसको अच्छी तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कवर करके हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा उन सभी सीन्स में जो बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था जिस तरह से फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था मिलन लुथरे जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में अच्छा काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे आगे वो अलग अलग मोड पर लेकर दिखा देते वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था आर एक्स के जो मेकिंग थी उस हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से वहां से रीमेक किया गया था जिस तरह से उनको उन्होंने एडिप्टिव स्क्रीन प्ले के साथ जिस से सभी चीज़ों को दिखाया था वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी जहाँ पे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास आसपास की है वहीं पे ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की है तो जो 20-25 मिनट का जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वहां पर आहन और तारा सुतरे और फिल्म की कहानी है वहां पर जो तो मोड लिए गए जिस तरह से इस कहानी में जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया था स्टोरी को डेवलप किया गया था वो सभी सीन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे वहीं पे तड़प से के फिल्म में वो सभी सीक्वेंस निकाल दिए जिसकी वजह से कुछ जगह पे आपको कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी की कमी न महसूस होगी जो इमोशंस है वो उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहीं पर फिल्म की जो स्टोरी है वो भी उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी वो थोड़ी जंप लेती हुई नज़र आएगी जिस तरह से दो जो बीस पच्चीस मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है

तो सॉन्ग आपको प्रीतम के सुनने को मिलते हैं जहां पे करीबन आठ गाने उन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज लेवल के नीचे उसको तीन दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे सभी गानों को जो कंपोजिशन है वो प्रीतम ने क्रिएट की हुई थी जो गानों की लेंथ थी वो थी टोटल चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जहां पे पहला गाना था तुमसे भी ज्यादा जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह और लिरिक्स राइटर इस साथ कामिल थे सभी गानों के लिरिक्स राइटर थे इस कामिल और जो कंपोजर से कंपोजर थे वो थे प्रीतम दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में जिसको गाया हुआ है शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण ने तीसरा गाना तू मेरा हो गया जिसको गाया हुआ है जुबिन नोट्याल ने चौथा गाना इसका ना जिसको गाया हुआ बी प्राग डिनो जेम्स पाँचवा गाना था तेरा सिवा जग में एडिट जिसको गाया हुआ है दर्शन रावल ने छठा गाना ए दिल्ला मर जिसको गाया हुआ है नेहा कक्कर ने सातवा गाना तू मेरा हो गया इनकोर वर्जन जिसको गाया हुआ है जावेद अली ने आठवा गाना तेरे सिवा जग में रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है मोहम्मद इरफान अशीस कौर ने तो इस तरह से सभी गानों की जो लेंथ थी वो थी चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड सभी गाने अच्छी तरह से वर्क कर गए थे फिल्म का जो, जो जोनर था उसके प्रति हिसाब से काफी बढ़िया थे उसकी प्लेसमेंट भी गानों की बढ़िया थी इस फिल्म में साथ ही में जिस तरह से इस एल्बम को रिलीज किया गया था ऑनलाइन टी सीरीज के चैनल पर तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से वर्क कर गया था तो फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर फिल्म वहाँ पे काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी रोमांटिक ड्रामा एक्शन जोनर इस टाइप की फिल्में रहती है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर गाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर बेहतर थी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में सभी की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने वो सभी चीज़ें भी अच्छी थी ओवरऑल ये एक एंगेजिंग फिल्म कह सकते हैं जिसे ज़रूर देखा जा सकता है इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है थिएटर में और अब आप देखना चाहते हो तो इसके जो थिएट्रिकल के राइट्स के बाद जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए हॉट स्टार ने पहले कहा जा रहा था कि एमेजोन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए लेकिन अचानक से जो चीजें सामने आई उसके हिसाब से पता चला कि इसके राइट्स बेचे हुए सॉरी हॉस्टार वालों ने खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार के साथ इस फिल्म के राइट्स की डील की गई जो इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिलीज करवाया हुआ है उन्होंने जब डिजनी हॉस्टार पर इस फिल्म को रिलीज किया वहां पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से एक न्यू कमर को थिएटर में रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर रिस्पॉन्स इस फिल्म को ओ टी पे भी मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते थिएटर में जिस तरह से फिल्म ने काम किया उसी तरह से फिल्म ने ओ टी पे भी कमाल कर दिया जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आई इस फिल्म को पहले जिस उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेलर रिलीज़ किया गया था जहां पे लोगों ने अपनी जो देखने की इच्छा है वो जताई हुई थी बाद में 28 जनवरी 2022 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टार पर रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला पहले दो दिन फिल्म ने अच्छा खासा व्यूइंग हासिल की हुई थी फिल्म को अच्छे खासे व्यूज़ मिले हुए थे और एक न्यू कमर को इतने व्यूज़ मिलना काफ़ी बड़ी बात है तो तड़प फिल्म को जब ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे सॉरी ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टार पर रिलीज़ किया गया अट्ठाईस जनवरी 2022 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो अब आपको ये फिल्म अगर देखनी है हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब तो वो डिज़नी प्लस हॉस्टार पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज़ फ़िल्म को आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए डिजनी प्लस हॉस्टार का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं है तो आप ये फिल्म अगर फ्री में देखना चाहते हो तो तेलुगू वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है और शायद शायद दोनों फिल्में सेम है हालांकि आर एक्स हंड्रेड तो बेटर ही होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल विध हिंदी डब देखना चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब पे वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सेम नाम के साथ ये फिल्म देख सकते हो तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में यानी कि दोनों रीमेक और ओरिजिनल वर्जन दोनों का हिंदी वर्जन आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जिसको आर एक्स के नाम से वाम इंडिया और एडवाइज मीडिया डिजिटल वालों ने अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे दूसरा जो सॉरी रीमेक वर्जन है तड़प वो आपको डिजनी प्लस पे देखने को मिलेगा सेम नाम यानी कि तड़प आपके नाम से इंग्लिश सब के साथ जहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो फिल्म को एक यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे फिल्म में कुछ चेंजेस करके फिल्म को यू सर्टिफिकेट हासिल हुआ है जिस वजह से डिजनी प्लस स्टार पे अगर आप पंद्रह साल से बड़े बच्चे हो तो फिल्म जरूर देख सकते हो बिल्कुल फ्री में विथ सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप वहाँ पे जाके इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म को 2019 मार्च में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आरएक्स हंड्रेड के राइट्स खरीदे हुए हैं जो दो की तेलुगु वर्जन है उसके रिमेक राइट्स उनके पास है और वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहंस शेट्टी को लॉन्च करने वाले हैं वहीं पर उनके अपोजिट हमने तारा सुतारिया को कास्ट किया हुआ है बाद में टाइ डायरेक्टर के तौर पर मिलन लूथर को लिया गया जिन्होंने इस लव सागा को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था उन्होंने कहा हुआ था कि वो इस फिल्म को और भी एक नए मोड के साथ दिखाएंगे जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से फिल्म के जो ट्विस्ट और टर्नस है वो काफ़ी अमेजिंग है वो हिंदी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा और बाद में आहन और तारा की परफॉर्मेंस के लिए पहले रिहर्सल करवाई गई थी जो रिहर्सल वर्कशॉप थे उसको मिलन लुसरिया ने फिल्म की शूटिंग से करीबन एक दो महीने पहले करवाए हुए थे बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जो सेंट्रल प्लाजा थिएटर है साउथ मुंबई में वहाँ से फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म का मेजर पोर्शन आपको मुंबई के जो और मसूरी दो एरिया में देखने को मिलते हैं फिल्म को ओवरऑल जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 10 मार्च 2021 को जहाँ पे फिल्म के राय जो लीड एक्टर है उन्होंने यानी कि आनन्द सेट्टी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और सब सोशल मीडिया हैंडल पे बताया हुआ था कि उनकी पहले फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेमोरी उनके साथ हमेशा साथ में रहेगी तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था बाद में फिल्म को जिस तरह से शेड्यूल किया गया था चौबीस सेप्टेम्बर दो को लेकिन थिएटर में काफ़ी घर सारी चीज़ें चल रही थी 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी कहीं पे भी थिएटर बंद भी थे तो इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको डिसेंट रिस्पॉन्स मिला किसी डेब्यूडेंट एक्टर के लिए इतना डिसेंट रिस्पॉन्स भी वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद अच्छी खासी बात होती है और इस तरह से फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले तीस दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था ये वो जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाए उसके बाद फिल्म को OTT पे रिलीज करने वाले थे जिसके राइट्स राइटॉन प्राइम वीडियो के पास थे लेकिन जनवरी दो हजार बाईस कोटस्टार के, 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 को 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 के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया हुआ था जहां पर अच्छा खासा अमंगस रिस्पॉन्स मिला हुआ था और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से चल गई थी और अगर आपको ये फिल्म तड़प के नाम

बिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर जो ओरिजिनल कहानी थी उसके ऊपर इंडियन हिंदी लैंग्वेज जो नेटिविटी होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी एडेप्टिव स्क्रीन प्ले भी आपको रजत अरोरा का ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से इन लोगों ने मिलकर कहानी को हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए लेकिन जो कोर पॉइंट है वो सेम है अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तो आपको इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे साजिद नडियादवाला और फोर स्टार स्टूडियोज जिन्होंने इस फिल्म को खुद की प्रोडक्शन कंपनीज़ यानी कि नडियाद ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और फोर स्टार स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फोर स्टार स्टूडियो ने किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको आहन्द सेट्टी जो सुनील सेट्टी के बेटे हैं वो एज ए लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ है इनके अलावा सौरभ शुक्ला कुमुन मिश्रा राजेश खेरा सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केनकरे हसीम हेदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहेल कपूर गीताराम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुक साल, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है वो क्रिएट किया हुआ है जय भूपति ने उसके ऊपर काम किया हुआ है मिलन लुथरिया और रजत अरोरा ने सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल जी पांडे की इस स्टोरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल धरुरमन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिस तरह से उन्होंने लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था मसूर के सभी लोकेसन को उन्होंने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था एडिटिंग की बात करें तो राजेश जी पांडे जिन्होंने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म है जिन्होंने काफ़ी सार्थ पे में फिल्म की एडिटिंग की हुई है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है जॉन स्टीवर्ट इधूरी ने वहीं पे जो गाने हैं वो क्रिएट किए हुए प्रीतम ने जिन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में टोटल आठ गाने क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कुछ रिप्राइज वर्जन है और कुछ एडिट वर्जन है जिसके मिला के इस फिल्म के टोटल आठ गाने होते तो वो सभी का कंपोजिशन किया हुआ है प्रीतम ने अब बात करें फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो तड़प फिल्म को सॉरी तड़प फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था करीबन 126 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ के आसपास का कारोबार किया हुआ था इस फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को रिलीज करने वाले थे लेकिन कुछ चीज़ों के चलते प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क जो बाकी रह गया था कोविड के चलते उसको कंप्लीट करते हुए साथ ही में थिएटर के ओपन करने होने की वेट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्ट किया गया बाद में फिल्म को तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पर फिल्म को फोर स्टार स्टूडियो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन वर्ल्ड वाइड दिलवाई हुई थी जहां पे सोलह स्क्रीन इंडिया में थी वहीं पे चार सौ इक्यावन स्क्रीन ओवरस में दिलवाई हुई थी जिसका अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मिला हुआ था इज डेब्यूडेंट एक्टर इस तरह का ओपनिंग काफ़ी बड़ी बात होती है वो भी कोविड 19 के बाद तो तड़प फिल्म को जहाँ पे आहान सेट्टी लीड रोल में देखने को मिले थे उस फिल्म को पहले दिन पर चार करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन हासिल हुआ था वहीं पे फिल्म ने सेकंड डे पे चार करोड़ बारह लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिर से थर्ड डे यानी कि संडे के दिन फिल्म अप हुई जिसने पाँच करोड़ और पैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म पहले दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते साथ ही में जिस तरह से आहन से टिका और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही थी तो उस वजह से फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ मिला और फिल्म ने तीसरे दिन पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ कलेक्शन है वो तेरह करोड़ बावन लाख का करके दिखाया हुआ था जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिसका काफ़ी सारा भुरा हाल हुआ था लेकिन उसके सामने कोई न्यू कमर अपनी फिल्म लेके आता है और ये इतनी अच्छी वर्क कर जाती है उसके लिए काफिले तारीफ है तीस दिसंबर दो तक जब फिल्म का जो कलेक्शन निकल के आया हुआ था, वहाँ पे टोटल जो था वो था बत्तीस करोड़ चार लाख तो दिसंबर तक ओवरसीज तक का जो 30 दिसंबर तक निकल के आया हुआ था वो था दो करोड़ बयासी लाखन तो तीन करोड़ के आसपास वर्ल्ड बाहर से भी फिल्म को कलेक्शन मिला हुआ था ओवरसीज से भी उतना कलेक्ट किया हुआ था जिस वजह से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ कलेक्शन है वो तब तक करीबन करीब करोड़ छियासी लाख के आसपास का कर लिया था तो ये फिल्म करीबन लाइफ टाइम जो कलेक्शन है पैंतीस से चालीस करोड़ के आसपास का रहा था कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है और अपनी फिल्म भले रीमेक हो उस फिल्म को थिएटर में लगवाता है और उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला वो भी कोविड नाइनटीन के सेकंड वेव के बाद जहाँ पे काफी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी अंतिम आई थी सत्यमेव जयते टू आई थी वो वर्क नहीं करी लेकिन ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखा गए उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म का कंटेंट वैसे भी मजबूत था लेकिन फिर भी कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है तो तुरंत कोई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती लेकिन इस फिल्म के साथ वो पॉजिटिव वाइब जरूर नजर आए जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई अब बात करें इस फिल्म के आई के रेटिंग के ऊपर तो फिल्म को करीबन छः पॉइंट एक की आई की रेटिंग मिली हुई है दस में से जहाँ पर करीबन छब्बीस वोटिंग की गई है तो छब्बीस वोटिंग में ये रेटिंग डिसेंट है जहाँ पर जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क करी उस हिसाब से फिल्म की कहानी की रेटिंग भी बड़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है ऑडियंस ने साथ ही में ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के लिए काफी बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई जिसकी वजह से फिल्म का जो लागत लगी हुई थी वो आसानी से पार कर ली थी इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहां पर ऑडियंस को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी वहीं पर क्रिटिक्स को कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें नजर आई थी लेकिन ओवरऑल फिल्म सभी लोगों को जरूर पसंद आई थी जहां यहाँ पे आहन सेट्टी का जो परफॉर्मेंस है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी वहीं पे दूसरे सभी आर्टिस्ट की भी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से फिल्म की कहानी को हमारे सामने पेश किया हुआ है जो स्क्रीन प्ले उन सभी चीज़ों में लोगों को ज़रूर पसंद आई जिस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैंतीस करोड़ जितना कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तड़प फिल्म के अब रीमेक के ऊपर बात करते हैं तड़क तड़प जो ओरिजिनल फिल्म नहीं है हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहां पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बनाया गया गया था था उसका नाम रखा जो 2018 में रिलीज की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड जो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था जय भूपति ने स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीजें उनकी थी वहां पर डायलॉग्स में उनको तजुद्दीन सैयद ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने आर एक्स को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क से नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अब बात करते फिल्म के लीड कास्ट की तो वहां पे कार्तिकेय गुमाकोंडार पायल राजपूत लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे आहन सेट्टी और तारा सुतरे हिंदी वर्जन में रोल प्ले कर रहे वहीं पर तेलुगु वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पर राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिक्स मिसाला गिरिधर ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे फिल्म के जो डायरेक्टर है अजय भूपति उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था शिवा जिसकी कहानी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है उन्होंने ये सभी चीज़ें ये क्रेडिट फिल्म के स्टार्टिंग में भी दी हुई है और फिल्म के एंडिंग में भी दी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने रिविल करके बताया हुआ था और ये दोनों चीज़ें तड़प और आर दोनों में देखने को मिलती है जो एक अच्छी बात है

सेम टीम इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में दो करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया था जिसको 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया और इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी और इस तरह से ये फिल्म RX100 जो आपको पायल राजपूत और साथ ही में कार्तिकी गुमाकोंडा देखने को मिले थे उन दोनों की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी आलेक्स हंड्रेड के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी सोल्ड आउट किए गए थे जिसको सोल्ड आउट किया हुआ था वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल ने जिन्होंने फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी करवाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को यूट्यूब पर भी प्रीमियर किया हुआ है ये फिल्म आपको यूट्यूब पे आर एक्स हंड्रेड के ही यानी कि सेम नाम के साथ वाम मूवीज़ और एडवाइज मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी फिल्म की डबिंग काफ़ी बेहतरीन वे में की गई है इस फिल्म को आप हिंदी डब वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे गाने भी डब किए गए हैं जो भी डिसेंट है ओवरऑल फिल्म की डबिंग अच्छी है जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है उसका जो एक इमोशन है वो फील है वो डबिंग में उतना टूटता हुआ नजर नहीं आएगा वो सभी चीज़ें लगभग लगभग सेम है जिस वजह से फिल्म का आप डब वर्जन भी देख सकते हो अदरवाइज तेलुगु वर्जन विथ इंग्लिश सब भी देख सकते हो तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी डब वर्जन आपको इंग्लिश सब के साथ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जहां पे आर एक्स हंड्रेड के नाम से एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने प्रीमियर करवाया हुआ है और आर एक्स हंड्रेड में आपको जो कास्टिंग देखने को मिलती है वहां पर कार्तिके जो शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं पायल राजपूत जिन्होंने इंदु का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है राव रमेश जिन्होंने विश्वनाथम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राम की ज्यो डेडी के रोल में दिखाई देते हैं जो स्टेप फादर है शिवा के सॉरी एडोप्टिव फादर बोल सकते हैं महेश जिन्होंने राजू भाई का किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे लक्ष्मण मिसाला जिन्होंने लक्ष्मण वाला किरदार प्ले किया हुआ है, गिरिधर के रोल को कोई नाम नहीं दिया गया था तो इस तरह से सभी कास्ट थी जिन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया हुआ था अब बात करें तड़प फिल्म के कास्टिंग की तो तड़प फिल्म में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की कास्टिंग देखने को मिलती है जहां पे फिल्म की कहानी का कोर पॉइंट सेम है जहां पे लीड रोल में हन सेट्टी है जो ईसाना यानी कि डेडी के एडोप्टिव के रोल में दिखाई देते हैं तारा सुतरिया जिन्होंने रमीशां नोटियाल मेहता वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो डायम दामोदर की बेटी और अनुराग की वाइफ के रोल में दिखाई देती है सौरभ शुक्ला जो डेडी का रोल प्ले कर रहे हैं जो ईसाना के एडोप्टिव फादर है कुमुन मिश्रा जिन्होंने एम दामोदर नोटिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जो के के फादर हैं राजेश खेरा इंस्पेक्टर नेगी रोल में दिखाई देते सुमित गुलाटी जिन्होंने एलओएल एल लोल किसाना के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राज विश्वकर्मा जो आदि के रोल में दिखाई देते हैं मंगल केनकर जिन्होंने दार्डी का रोल प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जो काशी के रोल में दिखाई देते हैं इसके अलावा सौरभ चक्रवर्ती जो गुत्थी के रोल में दिखाई देते हैं गुटली के रोल में दिखाई देते हैं ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवन भंडारी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जो केफी लेडी के रोल में दिखाई देती है गीता राम शर्मा जिन्होंने जिया राम का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक शाह जो अनुराग मेहता रमिशा के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मल मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर जिनको जो रोल मिला गया था वो तरे, उन्होंने उस रोल को डिसेंट वे में डिलीवर किया हुआ है सभी एक्टर के जो कैरेक्टर थे मैंने आपको डिस्क्लोज करके बता दिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है कहानी की बात करें तो इसाना जो मसूरी में रह रहे अपने फादर के साथ जिसका रोल प्ले कर रहे आहान आहंत शेट्टी और साथ ही में उनका एक कुछ कुछ चीज़ों के मसला चल रहा है डेडी के साथ में जो रोल प्ले सो रही और उनका दामोदर दा नोटियाल जो कुमुद मिश्रा वाला किरदार है उनके साथ कुछ चीज़ें दिक्कतें आई हुई है वो क्या है वो फिल्म की स्क्रीन प्ले के हिसाब से धीरे धीरे देर रिवील किया जाता है फिल्म में आपको जो तारा सुतरा और आहन की जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है वो बढ़िया है उस दोनों की जो केमिस्ट्री जिस तरह से फिल्म में आगे बढ़ती रहती है उनका रोमेंस लव जिस तरह से दिखाया हुआ है उन सभी इंटीमेंट सीन को रोमेंटिक रिलेशनशिप को काफ़ी बढ़िया तरीके फिल्म के स्टार्टिंग में स्टेज सेट क्या हुआ था और ये क्रेजी रिलेशनशिप किस तरह से आगे मोड़ लेता है इसके अलावा फिल्म के एंडिंग में क्या होता है फिल्म की एंडिंग में दोनों कैरेक्टर यानी कि दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे से मिल पाते या नहीं उन सभी चीजों के ऊपर पूरी डीप में कहानी में चर्चा की गई है जिससे पहले प्री क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है जो आपको शॉकिंग ज़रूर कर देगा और अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये वर्जन आपको जरूर कनेक्ट करेगा तो जिस तरह से फिल्म की कहानी में ये सभी चीज़ें डाली हुई आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म को जिस तरह से एक एडप्टिव स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एडप्ट किया हुआ था साथ ही में मसूरी के लोकेशंस को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो रोमांटिक एक्शन ड्रामा जोनर था उसको अच्छी तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कवर करके हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा उन सभी सीन्स में जो बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था जिस तरह से फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था मिलन लुथरे जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में अच्छा काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे आगे वो अलग अलग मोड पर लेकर दिखा देते वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था आर एक्स के जो मेकिंग थी उस हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से वहाँ से रीमेक किया गया था जिस तरह से उन्होंने एडिप्टिव स्क्रीन प्ले के साथ जिस से सभी चीजों को दिखाया था वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी जहां पे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास आसपास की है वहीं पे ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की है तो जो 20-25 मिनट का जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वहां पर आन सिटी और तारा सुतरे और फिल्म की कहानी है वहां पर जो मोड लिए गए जिस तरह से इस कहानी में जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया था स्टोरी को डेवलप किया गया था वो सभी सीन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे वहीं पे तड़प से फिल्म में वो सभी सीक्वेंस निकाल दिए जिसकी वजह से कुछ जगह पे आपको कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी की कमी न महसूस होगी जो इमोशंस है वो उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहीं पर फिल्म की जो स्टोरी है वो भी उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी वो थोड़ी जंप लेती हुई नज़र आएगी जिस तरह से दो जो 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 बीस पच्चीस मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सभी चीजें आर एक्स हंड्रेड में बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने स्टेब्लिश की हुई है तो ये सभी चीज़ें आपको दोनों फिल्में फिल्म में डिफरेंस के तौर पे दिखाई देगी बाकी ओवरऑल फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी सेम है आन सिटी काफ़ी बेहतरीन वे में कार्तिकी कुमा कोंडा वाला किरदार प्ले कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह से अपना एक डेब्यू दिया हुआ है वहीं पर तारा सुतरिया भी अपने रोल में बढ़िया थी लेकिन जिस तरह से पायल राजपूत ने डिलीवर किया हुआ था ओवरऑल उतनी बेहतरीन तरीके से वो नज़र नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छी थी लेकिन कंपेरिजन करें तो तारा सुतरिया से बेटर आपको पायल राजपूत देखने को मिलेगी बाकी तो सौरभ शुक्ला जो डेडी का

में रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज लेबल के नीचे उसको तीन दिसंबर दो हजार इक्कीस को रिलीज किया गया था जहां सभी गानों को जो कम्पोजीशन हुई थी, जो गानों की थी, वो थी टोटल चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जहां पर पहला गाना था ज्यादा जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह और लिरिक्स राइटर इस कामिले सभी गानों के लिरिक्स राइटर थे इस साथ कामिल और जो कंपोजर से कंपोजर थे वो थे प्रीतम दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में जिसको गाया हुआ शिल्पा राव दर्शन रावल सामने सिंह च और चरण ने तीसरा गाना तू मेरा हो गया जिसको गाया हुआ है जूबिन नोट्याल ने चौथा गाना इसका ना जिसको गाया हुआ बी प्राग डीनो जेम्स पाँचवा गाना था तेरा सिवा जग में कैफे एडिट जिसको गाया हुआ है दर्शन रावल ने छठा गाना ए दिल्ला मर जाइयाँ जिसको गाया हुआ है नेहा कक्कर ने सातवा गाना तू मेरा हो गया इनकोर वर्जन जिसको गाया हुआ है जावेद अली ने आठवा गाना तेरे सिवा जग में रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है मोहम्मद इरफान आशीस कौर ने तो इस तरह से सभी गानों की जो लेंथ थी वो थी चौंतीस मिनट पैंतीस सेकंड सभी गाने अच्छी तरह से वर्क कर गए थे फिल्म का जो, जो जोनर था उसके प्रति हिसाब से काफ़ी बढ़िया थे उसकी प्लेसमेंट भी गानों की बढ़िया थी इस फिल्म में साथ ही में जिस तरह से इस एल्बम को रिलीज किया गया था ऑनलाइन टी सीरीज के चैनल पर तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से वर्क कर गया था तो फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर फिल्म वहाँ पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी रोमांटिक ड्रामा एक्शन जोनर इस टाइप की फिल्में रहती है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर गाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सभी चीजें इस फिल्म में ज़रूर बेहतर थी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में सभी की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने वो सभी चीज़ें भी अच्छी थी ओवरऑल ये एक एंगेजिंग फिल्म कह सकते हैं जिसे ज़रूर देखा जा सकता है इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है थिएटर में और अब आप देखना चाहते हो तो इसके जो थिएट्रिकल के राइट्स के बाद जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए होटस्टार ने पहले कहा जा रहा था कि अमेजोन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई उसके हिसाब से पता चला कि इसके राइट्स बेचे हुए एम सॉरी हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉटस्टार के साथ इस फिल्म के राइट्स की डील की गई जो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिलीज करवाया हुआ है उन्होंने जब डिजनी हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से एक न्यू कमर को थिएटर में रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर रिस्पॉन्स इस फिल्म को ओ टी टी भी मिला क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते थिएटर में जिस तरह से फिल्म ने काम किया उसी तरह से फिल्म ने ओ टी टी पे भी कमाल कर दिया यहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार पे इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आई इस फिल्म को पहले जित उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेलर रिलीज़ किया गया था जहां पे लोगों ने अपनी जो देखने की इच्छा है वो जताई हुई थी बाद में 28 जनवरी 2022 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला पहले दो दिन फिल्म ने अच्छा खासा व्यूइंग हासिल की हुई थी फिल्म को अच्छे खासे व्यूज़ मिले हुए थे और एक न्यू कमर को इतने व्यूज़ मिलना काफ़ी बड़ी बात है तो तड़प फिल्म को जब ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे सॉरी ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया अट्ठाईस जनवरी 2022 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो अब आपको ये फिल्म अगर देखनी है हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब तो वो डिजनी प्लस हॉस्टार पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज़ फ़िल्म को आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए डिजनी प्लस हॉस्टार का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं है तो आप ये फ़िल्म अगर फ्री में देखना चाहते हो तो तेलुगू वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है और शायद शायद दोनों फिल्में सेम है हालांकि आर एक्स हंड्रेड तो बेटर ही होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल विथ हिंदी डब देखना चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब पे वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सेम नाम के साथ ये फिल्म देख सकते हो तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में यानी कि दोनों रीमेक और ओरिजिनल वर्जन दोनों का हिंदी वर्जन आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जिसको आर एक्स के नाम से वाम इंडिया और एडवाइज मीडिया डिजिटल वालों ने अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे दूसरा जो सॉरी रीमेक वर्जन है तड़प वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा सेम नाम यानी कि आपके नाम से इंग्लिश सब के साथ जहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो फिल्म को एक यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे फिल्म में कुछ चेंजेस करके फिल्म को यू सर्टिफिकेट हासिल हुआ है जिस वजह से डिज्नी प्लस हॉट स्टार अगर आप पंद्रह साल से बड़े बच्चे हो तो फिल्म ज़रूर देख सकते हो बिल्कुल फ्री में विथ सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप वहाँ पे जाके इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म को 2019 मार्च में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आर एक्स हंड्रेड के राइट्स खरीदे हुए हैं जो दो की तेलुगु वर्जन है उसके रिमेक राइट्स उनके पास है और वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहन्द शेट्टी को लॉन्च करने वाले हैं वहीं पर उनके अपोजिट हमने तारा सुतारिया को कास्ट किया हुआ है बाद में टायर डायरेक्टर के तौर पे मिलन लूथरिया को लिया गया जिन्होंने इस लव सागा को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था उन्होंने कहा हुआ था कि वो इस फिल्म को और भी एक नए मोड के साथ दिखाएंगे जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है फिल्म के जो ट्विस्ट और टर्नस है वो काफ़ी अमेजिंग है वो हिंदी ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा और बाद में आहन और तारा के परफॉर्मेंस के लिए पहले रिहर्सल करवाई गई थी जो रिहर्सल वर्कशॉप थे उसको मिलन ने फिल्म की शूटिंग से करीबन एक दो महीने पहले करवाए हुए थे बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी है वो बाईस अप्रैल दो को स्टार्ट की गई थी जो सेंट्रल प्लाजा थिएटर है साउथ मुंबई में वहाँ से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म का मेजर पोर्सन आपको मुंबई के जो और मसूरी दो एरिया में देखने को मिलते हैं फिल्म को ओवरऑल जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई तिथि 10 मार्च 2021 को जहाँ पे फिल्म के राय जो लीड एक्टर है उन्होंने यानी कि आनन्द सेट्टी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और सब सोशल मीडिया हैंडल पे बताया हुआ था कि उनकी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेमोरी उनके साथ हमेशा साथ में रहेगी तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था बाद में फिल्म को जिस तरह से शेड्यूल किया गया था चौबीस सेप्टेम्बर दो को लेकिन थिएटर में काफ़ी घरित सारी चीज़ें चल रही थी फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी कहीं पे भी थिएटर बंद भी थे तो इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया करीबन 2107 सात स्क्रीन में वर्ल्डवाइड फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको डिसेंट रिस्पांस मिला किसी डेब्यूडेंट एक्टर के लिए इतना डिसेंट रिस्पॉन्स भी वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद अच्छी खासी बात होती है और इस तरह से फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था ये वो जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा उसके बाद फिल्म को ओ टी पे रिलीज करने वाले थे जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास थे लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म के प्रोड्यूसर और अमेजॉन प्राइम वीडियो के बीच में डील कैंसिल हो गए उसके बाद फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचा गया जिन्होंने इस फिल्म को अट्ठाईस जनवरी दो को डिजनी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पर अच्छा खासा अमंगस

चैनल पे आप वो फिल्म देख सकते हो तो गाइज ये दोनों फिल्म आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी जहां पे पे, मीडिया और के चैनल पे, हिंदी में देखने को, हैं। वहीं पे आप फिल्म को प्लस हो पे वहां पे ऑफिशियली तो आप इस फिल्म को इंजॉय कर सकते हो तड़प जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूथरिया ने और फिल्म का जो एडेप्टिव राइटिंग है वो किए हुए रजत अरोरा ने बिलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर जो ओरिजिनल कहानी थी उसके ऊपर इंडियन हिंदी लैंग्वेज जो नेटिविटी होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी एडेप्टिव स्क्रीन प्ले भी आपको रजत अरोरा का ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से इन लोगों ने मिलकर कहानी को हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए लेकिन जो कोर पॉइंट है वो सेम है अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तो आपको इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नज़र आएंगे साजिद नडियादवाला और फोर स्टार स्टूडियोज जिन्होंने इस फिल्म को खुद की प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि नडियाद ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और फोर स्टार स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फोर स्टार स्टूडियो ने किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको आहन सेट्टी जो सुनील सेट्टी के बेटे हैं वो एज ए लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ है इनके अलावा सौरभ शुक्ला कुमन मिश्रा राजेश खेरा सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केनकरे हसीम हेदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहेल कपूर गीताराम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है वो क्रिएट किया हुआ है जय भूपति ने उसके ऊपर काम किया हुआ है मिलन लुथरिया और रजत अरोरा ने सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल जी पांडे की इस स्टोरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल धरूरमन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिस तरह से उन्होंने लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था मसूर के सभी लोकेशन को उन्होंने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था एडिटिंग की बात करें तो राजेश जी पांडे जिन्होंने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म है जिन्होंने काफ़ी सार्थ में फिल्म की एडिटिंग की हुई है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने वहीं पर जो गाने हैं वो क्रिएट किए हुए प्रीतम ने जिन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में टोटल आठ गाने क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कुछ रिप्राइज वर्जन है और कुछ एडिट वर्जन है जिसके मिला के इस फिल्म के टोटल आठ गाने होते तो वो सभी का कंपोजिशन किया हुआ है प्रीतम ने अब बात करें फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो तड़प तड़प फिल्म फिल्म को फिल्म को सॉरी हिंदी लैंग्वेज में तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था करीबन 126 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ के आसपास का कारोबार किया हुआ था इस फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को रिलीज करने वाले थे लेकिन कुछ चीज़ों के चलते प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क जो बाकी रह गया था कोविड के चलते उसको कंप्लीट करते हुए साथ ही में थिएटर के ओपन करने होने की वेट की वजह से फिल्म की रिलीज़ डेट को पोस्ट किया गया बाद में फ़िल्म को 3 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को फोक् स्टार स्टूडियो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड दिलवाई हुई थी जहां पे सोलह सौ छप्पन स्क्रीन इंडिया में थी वहीं पे चार स्क्रीन ओवर्स इसमें दिलवाई हुई थी जिसका अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मिला हुआ था एज डेबिडेंट एक्टर इस तरह का ओपनिंग काफ़ी बड़ी बात होती है वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद तो तड़प फिल्म को जहाँ पे आहान सेटी लीड रोल में देखने को मिले थे उस फिल्म को पहले दिन पर चार करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन हासिल हुआ था वहीं पे फिल्म ने सेकंड डे पे चार करोड़ बारह लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिर से थर्ड डे यानी कि संडे के दिन फिल्म अप हुई जिसने पाँच करोड़ और पैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म पहले दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते साथ ही में जिस तरह से रोहित आहन से टिका और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ़ की जा रही थी तो उस वजह से फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ मिला और फिल्म ने तीसरे दिन पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे जो डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन है वो तेरह करोड़ बावन लाख का करके दिखाया हुआ था जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिसका काफ़ी सारा बुरा हाल हुआ था लेकिन उसके सामने कोई न्यू कमर अपनी फिल्म लेके आता है और ये इतनी अच्छी वर्क कर जाती है

उसके लिए काबिल तारीफ है तीस दिसंबर दो तक जब फिल्म का जो कलेक्शन निकल के आया हुआ था वहाँ पर टोटल जो ग्रोस कलेक्शन था वो था बत्तीस करोड़ चार लाख तो इस तरह से फिल्म ने अपने तीस दिसंबर तक दो तक इतने कलेक्शन किया हुआ था वहीं पर जो ओवरसीज़ का जो कलेक्शन 30 दिसंबर 2021 तक निकल के आया हुआ था वो था दो करोड़ बयासी लाख तो करीबन तीर तीन करोड़ के आसपास वर्ल्ड बाहर से भी फिल्म को कलेक्शन मिला हुआ था ओवरसीज से भी उतना कलेक्ट किया हुआ था जिस वजह से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है वो तब तक करीबन करोड़ लाख के आसपास का कर लिया था तो ये यहन लाइफ टाइम जो कलेक्शन है पैंतीस से चालीस करोड़ के आसपास का रहा था कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है और अपनी फिल्म भले रीमेक हो उस फिल्म को थिएटर में लगवाता है और उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला वो भी कोविड नाइन्टीन के सेकंड वेव के बाद जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी अंतिम आई थी सत्यमेव जयते टू आई थी वो वर्क नहीं करी लेकिन ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म का कंटेंट वैसे भी मजबूत था लेकिन फिर भी कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है तो तुरंत कोई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती लेकिन इस फिल्म के साथ वो पॉजिटिव वाइब ज़रूर नजर आया जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई अब बात करें इस फिल्म के आई के रेटिंग के ऊपर तो फिल्म को करीबन 6.1 पॉइंट एक की आई एम डी की रेटिंग मिली हुई है 10 में से जहां पे करीबन 2600 वोटिंग की गई है तो 2600 वोटिंग में ये रेटिंग डिसेंट है जहां पे जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वर्क करे उस हिसाब से फिल्म की कहानी के रेटिंग भी बड़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है ऑडियंस ने साथ ही में ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के लिए काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई जिसकी वजह से फिल्म का जो लागत लगी हुई थी वो आसानी से पा कर ली थी इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहीं पे क्रिटिक्स को कुछ चीजों में थोड़ी बहुत तो दिक्कतें नजर आई थी लेकिन ओवरऑल फिल्म सभी लोगों को जरूर पसंद आई थी जहां पर आहन सेट्टी का जो परफॉर्मेंस है उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी वहीं पर दूसरे सभी आर्टिस्ट की भी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से फिल्म की कहानी को हमारे सामने पेश किया हुआ है जो स्क्रीन प्ले उन सभी चीजों में लोगों को जरूर पसंद आई जिस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ जितना लेक्शन करके दिखाया हुआ था तड़प फिल्म के अब रीमेक के ऊपर बात करते हैं। तड़क तड़प जो ओरिजिनल फिल्म नहीं है हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बनाया गया था उसका नाम रखा गया था आर एक्स हंड्रेड जो 2018 में रिलीज की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड जो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था जय भूपति ने स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें उनकी थी वहाँ पर डायलॉग्स में उनको तजुद्दीन सैयद ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने आर एक्स को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कार्तिकई क्रिएटिव वर्क से नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अब बात करते हैं फिल्म के लीड कास्ट की तो वहां पे कार्तिकई गुमाकोंडा और पायल राजपूत लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे आहन सेट्टी और तारा सुतरे हिंदी वर्जन में रोल प्ले कर रहे वहीं पे

सेम थी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में दो करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया था जिसको बारह जुलाई दो को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन पच्चीस से तीस करोड़ का कारोबार किया और इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस तरह से ये फिल्म आर एक्स हंड्रेड जो आपको पायल राजपूत और साथ ही में कार्तिकी गुमाकोंडा देखने को मिले थे उन दोनों की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी आर एक्स हंड्रेड के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी सोल्ड आउट किए गए थे जिसको सोल्ड आउट किया हुआ था वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल ने जिन्होंने फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी करवाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को यूट्यूब पर भी प्रीमियर किया हुआ है ये फिल्म आपको यूट्यूब पे आर एक्स हंड्रेड के ही यानी कि सेम नाम के साथ वामीडिया मूवीज़ और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी फिल्म की डबे डबिंग काफ़ी बेहतरीन वे में की गई है इस फिल्म को आप हिंदी डब वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे गाने भी डब किए गए हैं जो भी डिसेंट है ओवरऑल फिल्म की डबिंग अच्छी है जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है उसका जो एक इमोशन है वो फील है वो डबिंग में उतना टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा वो सभी चीज़ें लगभग लगभग सेम है जिस वजह से फिल्म का आप डब वर्जन भी देख सकते हो अदरवाइज तेलुगु वर्जन विथ इंग्लिश सब भी देख सकते हो तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी डब वर्जन आपको इंग्लिश सब के साथ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आर एक्स हंड्रेड के नाम से एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने प्रीमियर करवाया हुआ है और आर एक्स हंड्रेड में आपको जो कास्टिंग देखने को मिलती है वहाँ पे कार्तिक जो शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं पायल राजपूत जिन्होंने इंदु का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है राव रमेश जिन्होंने विश्वनाथम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राम की जो डैडी के रोल में दिखाई देते हैं जो स्टेप फादर है शिवा के सॉरी एडोप्टिव फादर बोल सकते हैं महेश जिन्होंने राजू भाई का किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे लक्ष्मण मिसाला जिन्होंने लक्ष्मण वाला किरदार प्ले किया हुआ है गिरिधर के रोल को कोई नाम नहीं दिया गया था तो इस तरह से सभी कास्ट थी जिन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया हुआ था अब बात करें तड़प फिल्म के कास्टिंग की तो तड़प फिल्म में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की कास्टिंग देखने को मिलती है जहाँ पे फिल्म की कहानी का कोर पॉइंट सेम है जहाँ पे लीड रोल में हन सेट्टी है जो ईसाना यानी कि डेडी के एडोप्टिव सन के रोल में दिखाई देते हैं तारा सुतरिया जिन्होंने रमीशा नोटियाल मेहता वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो डायम दामोदर की बेटी और अनुराग की वाइफ के रोल में दिखाई देती है सौरभ शुक्ला जो डेडी का रोल प्ले कर रहे हैं जो ईसाना के एडोप्टिव फादर है कुमुन मिश्रा जिन्होंने एम दामोदर नोटियाल का रोल प्ले किया हुआ है जो रमीशा के फादर है राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर नेगी के रोल में दिखाई देते हैं सुमित गुलाटी जिन्होंने एलओएल लोल यानी किसाना के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राज विश्वकर्मा जो आदि के रोल में दिखाई देते हैं मंगल किनकरे जिन्होंने दाढ़ी का रोल प्ले किया हुआ है हंसी मेइदर जो कासी के रोल में दिखाई देते हैं इसके अलावा सौरभ चक्रवर्ती जो गुत्थी के रोल में दिखाई देते हैं गुटली के रोल में दिखाई देते शुक्ला रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जो केफी लेडी के रोल में दिखाई देती है गीता राम शर्मा जिन्होंने जिया राम का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक शाह जो अनुराग मेहता रमिशा के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मल मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर जिनको जो रोल मिला गया था वो तो तो तो

वो फिल्म की स्क्रीन प्ले के हिसाब से धीरे धीरे रिवील किया जाता है फिल्म में आपको जो तारा दिखायाटिक रिलेशनशिप को काफी बढ़िया तरीके से फिल्म के स्टार्टिंग में से सेट किया हुआ था और ये क्रेजी रिलेशनशिप किस तरह से आगे मोड़ लेता है इसके अलावा फिल्म के एंडिंग में क्या होता है फिल्म की एंडिंग में दोनों कैरेक्टर यानी कि दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे से मिल पाते या नहीं उन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी डीप में कहानी में चर्चा की गई है जिससे पहले प्री क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है जो आपको शॉकिंग जरूर कर देगा और अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये वर्जन आपको ज़रूर कनेक्ट करेगा तो जिस तरह से फिल्म की कहानी में ये सभी चीज़ें डाली हुई आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म को जिस तरह से एक एडप्टिव स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एडप्ट किया हुआ था साथ ही में मसूरी के लोकेशंस को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो रोमांटिक एक्शन ड्रामा जोनर था उसको अच्छी तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कवर करके हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा उन सभी सीन्स में जो बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था जिस तरह से फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था मिलन लुथरे जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में अच्छा काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे आगे वो अलग अलग मोड पर लेकर दिखा देते वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था आर एक्स के जो मेकिंग थी उस हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से वहां से रीमेक किया गया था जिस तरह से उन्होंने एडिप्टिव स्क्रीन प्ले के साथ जिस से सभी चीज़ों को दिखाया होता वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी जहाँ पे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास आसपास की है वहीं पे ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की है तो जो 20-25 मिनट का जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वहाँ पे आहन सिटी और तारा सूत्रे और फिल्म की कहानी है वहाँ पर जो तो मोड लिए गए जिस तरह से कहानी में जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया था स्टोरी को डेवलप किया गया था वो सभी सीन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे वहीं पे तड़प सीन के फिल्म में वो सभी सीक्वेंस निकाल दिए जिसकी वजह से कुछ जगह पे आपको कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी की कमी न महसूस होगी जो इमोशंस है वो उतने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहीं पर फिल्म की जो स्टोरी है वो भी उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी वो थोड़ी जंप लेती हुई नजर आएगी जिस तरह से दो जो जिस पच्चीस मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है

से बेटर आपको पायल राजपूत देखने को मिलेगी बाकी तो सौरभ शुक्ला जो डेडी का काफी अमेजिंग वे में बढ़िया नजर आ रहे थे इसके अलावा फिल्मी एडिटिंग भी डिसेंट देखने को मिलती है कुछ चीजों को मैंने कहा कि डेवलप करके दिखाना चाहिए था लेकिन वो डायरेक्टर ने कुछ नहीं किया तो एडिटर क्या कर सकता है उन सभी चीजों को कैसे एड कर सकता है म्यूजिक की बात तो सॉन्ग आपको प्रीतम के सुनने को मिलते हैं जहां पे करीबन आठ गाने उन गानों को 2020 में रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज लेवल के नीचे उसको तीन दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था जहां पे सभी गानों को जो कंपोजिशन है वो प्रीतम ने क्रिएट की हुई थी जो गानों की लेंथ थी वो थी टोटल चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जहां पे पहला गाना था तुमसे भी ज्यादा जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह और लिरिक्स राइटर इस साथ कामिल थे सभी गानों के लिरिक्स राइटर थे इस कामिल और जो कंपोजर से कंपोजर थे वो थे प्रीतम दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में जिसको गाया हुआ है शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण ने तीसरा गाना तू मेरा हो गया जिसको गाया हुआ है जुबिन नोट्याल ने चौथा गाना इसका ना जिसको गाया हुआ बी प्राग डिनो जेम्स पांचवा गाना था तेरा सिवा जग में एडिट जिसको गाया हुआ है दर्शन रावल ने छठा गाना ए दिल्ला मर जिसको गाया हुआ है नेहा कक्कर ने सातवां गाना तू मेरा हो गया इनकोर वर्जन जिसको गाया हुआ है जावेद अली ने आठवा गाना तेरे सिवा जग में रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है मोहम्मद इरफान असीस कौर ने तो इस तरह से सभी गानों की जो लेंथ थी वो थी चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड सभी गाने अच्छी तरह से वर्क कर गए थे फिल्म का जो, जो जोनर था उसके प्रति हिसाब से काफी बढ़िया थे उसकी प्लेसमेंट भी गानों की बढ़िया थी इस फिल्म में साथ ही में जिस तरह से इस एल्बम को रिलीज किया गया था ऑनलाइन टी सीरीज के चैनल पर तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से वर्क कर गया था तो फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर फिल्म वहाँ पे काफ़ी मज़बूत नज़र आ रही थी रोमांटिक ड्रामा एक्शन जो इस टाइप की फिल्में रहती है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर गाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में ज़रूर बेहतर थी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में सभी की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ़ में हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने वो सभी चीज़ें भी अच्छी थी ओवरऑल ये एक एंगेजिंग फिल्म कह सकते हैं जिसे ज़रूर देखा जा सकता है इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है थिएटर में और अब आप देखना चाहते हो तो इसके जो थिएट्रिकल के राइट्स के बाद जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए होस्टार ने पहले कहा जा रहा था कि अमेजोन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई उसके हिसाब से पता चला कि इसके राइट्स बेचे हुए सॉरी हॉस्टार वालों ने खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार के साथ इस फिल्म के राइट्स की डील की गई जो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिलीज करवाया हुआ है उन्होंने जब डिजनी हॉस्टार पर इस फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से एक न्यू कमर को थिएटर में रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर रिस्पॉन्स इस फिल्म को ओ टी भी मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते थिएटर में जिस तरह से फिल्म ने काम किया उसी तरह से फिल्म ने ओटीटी पे भी कमाल कर दिया जहां पे डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आई इस फिल्म को पहले उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेलर रिलीज किया गया था जहां पे लोगों ने अपनी जो देखने की इच्छा है वो जताई हुई थी बाद में 28 जनवरी 2022 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टार पर रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला पहले दो दिन फिल्म ने अच्छा खासा व्यूइंग हासिल की हुई थी फिल्म को अच्छे खासे व्यूज़ मिले हुए थे और एक न्यू कमर को इतने व्यूज़ मिलना काफ़ी बड़ी बात है तो तड़प फिल्म को जब ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे सॉरी ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉस्टार पर रिलीज़ क्या गया अट्ठाईस जनवरी 2022 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो अब आपको ये फिल्म अगर देखनी है हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब तो वो डिज़नी प्लस हॉस्टार पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज़ फ़िल्म को आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए डिजनी प्लस हॉस्टार का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं है तो आप ये फ़िल्म अगर फ्री में देखना चाहते हो तो तेलुगू वर्ज़न है उसका हिंदी डब वर्जन भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ है और शायद शायद दोनों फिल्में सेम है हालांकि आर एक्स हंड्रेड तो बेटर ही होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल विद हिंदी डब देखना चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब पे वाम इंडिया मूवीज और एडवाइस मीडिया डिजिटल के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सेम नाम के साथ ये फिल्म देख सकते हो तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में यानी कि दोनों रीमेक और ओरिजिनल वर्जन दोनों का हिंदी वर्जन आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जिसको आर एक्स के नाम से वाम इंडिया और एडवाइज मीडिया डिजिटल वालों ने अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे दूसरा जो सॉरी रीमेक वर्जन है तड़प वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार होटस्टारे देखने को मिलेगा सेम नाम यानी कि तड़प आपके नाम से इंग्लिश सब के साथ जहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे फिल्म में कुछ चेंजेस करके फिल्म को यू सर्टिफिकेट हासिल हुआ है जिस वजह से डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप पंद्रह साल से बड़े बच्चे हो तो फिल्म जरूर देख सकते हो बिल्कुल फ्री में विथ सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म को 2019 मार्च में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आरएक्स हंड्रेड के राइट्स खरीदे हुए हैं जो दो की अट्ठारह तेलुगू वर्जन है उसके रीमेक राइट्स उनके पास है और वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहंत शेट्टी को लॉन्च करने वाले हैं वहीं पर उनके अपोजिट हमने तारा सुतारिया को कास्ट किया हुआ है बाद में टाइ डायरेक्टर के तौर पर मिलन लूसरे को लिया गया जिन्होंने इस लव सागा को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था उन्होंने कहा हुआ था कि वो इस फिल्म को और भी एक नए मोड के साथ दिखाएंगे जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है फिल्म के जो ट्विस्ट और टर्स है वो काफ़ी अमेजिंग है वो हिंदी ऑडियंस को जरूर पसंद आएगा और बाद में आहन और तारा की परफॉर्मेंस के लिए पहले रिहर्सल करवाई गई थी जो रिहर्सल वर्कशॉप थे उसको मिलन लुसरिया ने फिल्म की शूटिंग से करीबन एक दो महीने पहले करवाए हुए थे बाद में फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जो सेंट्रल प्लाजा थिएटर है साउथ मुंबई में वहाँ से फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म का मेजर पोर्शन आपको मुंबई के जो और मसूरी दो एरिया में देखने को मिलते हैं फिल्म को ओवरऑल जो शूटिंग है वो कम्प्लीट करवाई गई थी 10 मार्च दो को जहाँ पे फिल्म के राय जो लीड एक्टर है उन्होंने यानी कि आहन सेट्टी है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल पे बताया हुआ था कि उनकी पहले फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये मेमोरी उनके साथ हमेशा साथ में रहेगी तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था बाद में फिल्म को जिस तरह से शेड्यूल किया गया था चौबीस सेप्टेम्बर दो को लेकिन थिएटर में काफ़ी घर सारी चीज़ें चल रही थी फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी कहीं पे भी थिएटर बंद भी थे तो इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको डिसेंट रिस्पॉन्स मिला किसी डेब्यूडेंट एक्टर के लिए इतना डिसेंट रिस्पॉन्स भी वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद अच्छी खासी बात होती है और इस तरह से फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले तीस दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था ये वो जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाए गा। उसके बाद फिल्म को पे रिलीज करने वाले थे जिसके राइट्स राइटॉन प्राइम वीडियो के पास थे जनवरी दो हजार बाईस को डिजनी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया हुआ था जहां पर अच्छा खासा अमंगस रिस्पॉन्स मिला हुआ था और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से चल गई थी और अगर आपको ये फिल्म तड़प के नाम से देखनी है फ्री में ऑफिशियली तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पे आप ये देख सकते हो विथ इंग्लिश सब सिर्फ आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जिसका रीमेक वर्जन भी है जिसका ये रीमेक बना हुआ है उसका वो ओरिजिनल वर्जन है वो भी हिंदी डब में अवेलेबल है जिसको तो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जो आर एक्स हंड्रेड के नाम सेम से नाम के साथ यूट्यूब पे एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप वो फिल्म देख सकते हो तो गाइज ये दोनों फिल्म आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी जहां पे YouTube पे एडवाइज मीडिया

विलन लूथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर जो ओरिजिनल कहानी थी उसके ऊपर इंडियन हिंदी लैंग्वेज जो नेटिविटी होती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हुए हैं इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी एडेप्टिव स्क्रीन प्ले भी आपको रजत अरोरा का ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से इन लोगों ने मिलकर कहानी को हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए हैं लेकिन जो कोर पॉइंट है वो सेम है अब बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तो आपको इस फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे साजिद नडियाद वाला और फोर स्टार स्टूडियोज जिन्होंने इस फिल्म को खुद की प्रोडक्शन कंपनीज़ यानी कि नडियाद ग्रैंड एंटरटेनमेंट और फोर स्टार स्टूडियो के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था इस फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फोर स्टार स्टूडियो ने किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको आहन्द सेट्टी जो सुनील सेट्टी के बेटे हैं वो एज ए लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट तारा सुतरिया को कास्ट किया हुआ है इनके अलावा सौरभ शुक्ला कुमुन मिश्रा राजेश खेरा सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केनकरे हसीम हैदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहेल कपूर गीताराम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुक साल, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो फिल्म की जो ओरिजिनल कहानी है जो ओरिजिनल कोर पॉइंट है वो क्रिएट किया हुआ है जय भूपति ने उसके ऊपर काम किया हुआ है मिलन लुथरिया और रजत अरोरा ने सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल जी पांडे की स्टोरी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो आपको रघुल धरुरमन की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिस तरह से उन्होंने लोकेशन को हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था मसूर के सभी लोकेशन को उन्होंने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था एडिटिंग की बात करें तो राजेश जी पांडे जिन्होंने फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की फिल्म है जिन्होंने काफ़ी सार्थ पे में फिल्म की एडिटिंग की हुई है म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट किया हुआ है जॉन स्टीवर्ट इधूरी ने वहीं पे जो गाने हैं वो क्रिएट किए हुए प्रीतम ने जिन्होंने जिन्होंने इस फिल्म में टोटल आठ गाने क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे कुछ रिप्राइज वर्जन है और कुछ एडिट वर्जन है जिसके मिला के इस फिल्म के टोटल आठ गाने होते तो वो सभी का कंपोजिशन किया हुआ है प्रीतम ने अब बात करें फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो तड़प फिल्म को सॉरी तड़प फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका रन टाइम था करीबन 126 मिनट और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ के आसपास का कारोबार किया हुआ था इस फिल्म को पहले 24 सितंबर 2021 को रिलीज करने वाले थे लेकिन कुछ चीज़ों के चलते प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क जो बाकी रह गया था कोविड के चलते उसको कंप्लीट करते हुए साथ ही में थिएटर के ओपन करने होने की वेट की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्ट किया गया बाद में फिल्म को तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जहाँ पर फिल्म को फोर स्टार स्टूडियो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को करीबन इक्कीस स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड दिलवाई हुई थी जहाँ पे सोलह स्क्रीन इंडिया में थी वहीं पे चार स्क्रीन ओवरसिस में दिलवाई हुई थी जिसका अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे धमाका मिला हुआ था एज अ डिबिडेंट एक्टर इस तरह का ओपनिंग काफ़ी बड़ी बात होती है वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद तो तड़प फिल्म को जहाँ पे आहान से लीड रोल में देखने को मिले थे उस फिल्म को पहले दिन पर चार करोड़ पाँच लाख का ग्रोस कलेक्शन हासिल हुआ था वहीं पे फिल्म ने सेकंड डे पे चार करोड़ बारह लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और फिर से थर्ड डे यानी कि संडे के दिन फिल्म अप हुई जिसने पाँच करोड़ और पैंतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म पहले दूसरे और तीसरे दिन में धीरे धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते साथ ही में जिस तरह से आन से टिका और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ़ की जा रही थी तो उस वजह से फिल्म को अच्छा खासा ग्रोथ मिला और फिल्म ने तीसरे दिन पाँच करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन करके दिखाया तो इस तरह से फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे जो डोमेस्टिक ग्रोथ कलेक्शन है वो तेरह करोड़ बावन लाख का करके दिखाया हुआ था जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाएगा क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिसका काफ़ी सारा बुरा हाल हुआ था लेकिन उसके सामने कोई न्यू कमर अपनी फिल्म लेके आता है और ये इतनी अच्छी वर्क कर जाती है

क्रॉस कलेक्शन है वो तब तक करीबन चौतीस करोड़ छियासी लाख के आसपास का कर लिया था तो ये फिल्म करीबन लाइफ टाइम जो कलेक्शन है पैंतीस से चालीस करोड़ के आसपास का रहा था कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है और अपनी फिल्म भले रीमेक हो उस फिल्म को थिएटर में लगवाता है और उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिला वो भी कोविड नाइन्टीन के सेकंड वेव के बाद जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी अंतिम आई थी सत्यमेव जयते टू आई थी वो वर्क नहीं करी लेकिन ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखा गए उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म का कंटेंट वैसे भी मज़बूत था लेकिन फिर भी कोई न्यू कमर फिल्म लेके आता है तो तुरंत कोई ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती लेकिन इस फिल्म के साथ वो पॉजिटिव वाइब ज़रूर नजर आया जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई अब बात करें इस फिल्म के आई के रेटिंग के ऊपर तो फिल्म को करीबन छः पॉइंट एक की आई की, की रेटिंग मिली हुई है दस में से जहाँ पर करीबन छब्बीस वोटिंग की गई है तो छब्बीस वोटिंग में ये रेटिंग डिसेंट है जहाँ पर जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क करी उस हिसाब से से फिल्म की कहानी की रेटिंग भी बड़ी बढ़िया तरीके से दी हुई है ऑडियंस ने साथ ही में यह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के लिए काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव तरीके से कलेक्शन करके दिखा गई जिसकी वजह से फिल्म का जो लागत लगी हुई थी वो आसानी से पार कर ली थी इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पर ऑडियंस को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी वहीं पर क्रिटिक्स को कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत दिक्कतें नजर आई थी लेकिन ओवरऑल फिल्म सभी लोगों को जरूर पसंद आई थी जहाँ यहाँ पे आहन सेट्टी का जो परफॉर्मेंस है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी वहीं पे दूसरे सभी आर्टिस्ट की भी परफॉर्मेंस की तारीफ की गई थी जिस तरह से फिल्म की कहानी को हमारे सामने पेश किया हुआ है जो स्क्रीन प्ले उन सभी चीज़ों में लोगों को ज़रूर पसंद आई जिस वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैंतीस करोड़ जितना कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तड़प फिल्म के अब रीमेक के ऊपर बात करते हैं तड़क तड़प जो ओरिजिनल फिल्म नहीं है हिंदी लैंग्वेज में बनाई गई एक तेलुगु लैंग्वेज की ऑफिशियल रीमेक वर्जन है जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बनाया गया था उसका नाम रखा गया था आर एक्स हंड्रेड जो 2018 में रिलीज की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड जो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको लिखा और डिरेक्ट किया होता जय भूपति ने स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन डायलॉग सभी चीज़ें उनकी थी वहाँ पर डायलॉग्स में उनको तजुद्दीन सैयद ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने आर को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क से नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अब बात करते फिल्म के लीड कास्ट की तो वहाँ पे कार्तिकेय गुमा कोंडार पायल राजपूत लीड रोल में देखने को मिले थे जहाँ पे आहन सेट्टी और तारा सुतरे हिंदी वर्जन में रोल प्ले कर रहे वहीं पर तेलुगु वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पर राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिक्स मिसाला गिरिधर ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे फिल्म के जो डायरेक्टर है अजय भूपति उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था शिवा जिसकी कहानी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है उन्होंने ये सभी चीज़ें ये क्रेडिट फिल्म के स्टार्टिंग में भी दी हुई है और फिल्म के एंडिंग में भी दी हुई है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने रिविल करके बताया हुआ था और ये दोनों चीज़ें तड़प और आर दोनों में देखने को मिलती है जो एक अच्छी बात है

सेम थी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में दो करोड़ के बजट के नीचे बनाया गया था जिसको 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया और इसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई थी और इस तरह से ये फिल्म आर एक्स जो आपको पायल राजपूत और साथ ही में कार्तिकी गुमाकोंडा देखने को मिले थे उन दोनों की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी आरएक्स हंड्रेड के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी सोल्ड आउट किए गए थे जिसको सोल्ड आउट किया हुआ था वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल ने जिन्होंने फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी करवाया हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को यूट्यूब पर भी प्रीमियर किया हुआ है ये फिल्म आपको यूट्यूब पे आर एक्स हंड्रेड के ही यानी कि सेम नाम के साथ वाम इंडिया मूवीज़ और एडवाइस मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी फिल्म की डबिंग काफ़ी बेहतरीन वे में की गई है इस फिल्म को आप हिंदी डब वर्जन में देख सकते हो जहाँ पे गाने भी डब किए गए हैं जो भी डिसेंट है ओवरऑल फिल्म की डबिंग अच्छी है जिस वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया है उसका जो एक इमोशन है वो फील है वो डबिंग में उतना टूटता हुआ नजर नहीं आएगा वो सभी चीज़ें लगभग लगभग सेम है जिस वजह से फिल्म का आप डब वर्जन भी देख सकते हो अदरवाइज तेलुगु वर्जन विथ इंग्लिश सब भी देख सकते हो तो ये दोनों वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे हिंदी डब वर्जन आपको इंग्लिश सब के साथ यूट्यूब पे देखने को मिलेगा जहां पे आर एक्स हंड्रेड के नाम से एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने प्रीमियर करवाया हुआ है और आर एक्स हंड्रेड में आपको जो कास्टिंग देखने को मिलती है वहां पर कार्तिके जो शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं पायल राजपूत जिन्होंने इंदू का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है राव रमेश जिन्होंने विश्वनाथम का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राम की जो डेडी के रोल में दिखाई देते हैं जो स्टेप फादर है शिवा के सॉरी एडोक्टिव फादर बोल सकते हैं महेश जिन्होंने राजू भाई का किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे लक्ष्मण मिसाला इन्होंने लक्ष्मण वाला किरदार प्ले किया हुआ गिरिधर के रोल को कोई नाम नहीं दिया गया था तो इस तरह से सभी कास्ट थी जिन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया हुआ था अब बात करें तड़प फिल्म के कास्टिंग की तो तड़प फिल्म में भी आपको लगभग लगभग इसी तरह की कास्टिंग देखने को मिलती है जहाँ पे फिल्म की कहानी का कोर पॉइंट सेम है जहाँ पे लीड रोल में हंस शेट्टी है जो ईसाना यानी कि डेडी के एडोप्टिव सन के रोल में दिखाई देते हैं तारा सुतरिया जिन्होंने रमीशान नोटियाल मेहता वाला किरदार प्ले किया हुआ है जो डायम दामोदर की बेटी और अनुराग की वाइफ के रोल में दिखाई देती है सौरभ शुक्ला जो डेडी का रोल प्ले कर रहे हैं जो ईसाना के एडोप्टिव फादर है कुमुन मिश्रा जिन्होंने एम दामोदर नोटियाल का रोल प्ले किया हुआ है जो रमीशा के फादर है राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर नेगी के रोल में दिखाई देते हैं सुमित गुलाटी जिन्होंने एलओएल लोल यानी किसाना के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है राज विश्वकर्मा जो आदि के रोल में दिखाई देते हैं मंगल किनकरे जिन्होंने दाढ़ी का रोल प्ले किया हुआ है हंसी मेइधर जो कासी के रोल में दिखाई देते हैं इसके अलावा सौरभ चक्रवर्ती जो गुत्थी के रोल में दिखाई देते है गुटली के रोल में दिखाई देते ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवन भंडारी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जो केफी लेडी के रोल में दिखाई देती है गीता राम शर्मा जिन्होंने जिया राम का रोल प्ले किया हुआ है अभिषेक शाह जो अनुराग मेहता रमिशा के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मल मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर जिनको जो रोल मिला गया था वो वो उन्होंने उस रोल को डिसेंट वे में डिलीवर किया हुआ है सभी एक्टर के जो कैरेक्टर थे मैंने आपको डिस्क्लोज करके बता दिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है कहानी की बात करें तो इसाना जो मसूरी में रह रहे अपने अडॉप्टिव फादर के साथ जिसका रोल प्ले कर रहे है, आहान शेट्टी और साथ ही में उनका एक कुछ कुछ चीज़ों के मसला चल रहा है डेडी के साथ में जो रोल प्ले सो रही और उनका दामोदर दा नोटियाल जो कुमुद मिश्रा वाला किरदार है उनके साथ कुछ चीज़ें दिक्कतें आई हुई है वो क्या है वो फिल्म की स्क्रीन प्ले के हिसाब से धीरे धीरे देर रिवील किया जाता है फिल्म में आपको जो तारा सुतरे और आहन सेट्टी की जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है वो बढ़िया है उस दोनों की जो केमिस्ट्री जिस तरह से फिल्म में आगे बढ़ती रहती है उनका रोमेंस लव जिस तरह से दिखाया हुआ है उन सभी इंटेमेंट सीन को रोमेंटिक रिलेशनशिप को काफ़ी बढ़िया तरीके फिल्म के स्टार्टिंग में सेट किया हुआ था और ये क्रेजी रिलेशनशिप किस तरह से आगे मोड़ लेता है इसके अलावा फ़िल्म के एंडिंग में क्या होता है फिल्म की एंडिंग में दोनों कैरेक्टर यानी कि दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे से मिल पाते या नहीं उन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी डीप में कहानी में चर्चा की गई है जिससे पहले प्री क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है जो आपको शॉकिंग ज़रूर कर देगा और अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये वर्जन आपको ज़रूर कनेक्ट करेगा तो जिस तरह से फिल्म की कहानी में ये सभी चीज़ें डाली हुई आपको ज़रूर पसंद आएगी फिल्म को जिस तरह से एक एडप्टिव स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एडप्ट किया हुआ था साथ ही में मसूरी के लोकेशंस को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से कवर करके दिखाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो रोमांटिक एक्शन ड्रामा जोनर था उसको अच्छी तरह से सिनेमेटोग्राफर ने कवर करके हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा उन सभी सीन्स में जो बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है वो अमेजिंग था फिल्म के सीन को और बेहतर बना रहा था नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था जिस तरह से फिल्म का मूड था उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था मिलन लुथरे जिन्होंने स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में अच्छा काम किया हुआ है जिस तरह से फिल्म की कहानी को आगे आगे वो अलग अलग मोड पर लेकर दिखा देते वो बढ़िया तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ था आर एक्स के जो मेकिंग थी उस हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से वहाँ से रीमेक किया गया था जिस तरह से उन्होंने एडिप्टिव स्क्रीन प्ले के साथ जिस से सभी चीजों को दिखाया होता है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी जहां पे ओरिजिनल फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास आसपास की है वहीं पे ये फिल्म करीबन दो घंटे के आसपास की है, तो जो 20-25 मिनट का जो टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है वहां पर आहन सिटी और तारा सुतरिया और फिल्म की कहानी है वहां पर जो मोड लिए गए जिस तरह से इस कहानी में जो कैरेक्टर को डेवलप किया गया था स्टोरी को डेवलप किया गया था वो सभी सीन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे जो ओरिजिनल वर्जन है वहाँ पे वहीं पे तड़प से के फिल्म में वो सभी सीक्वेंस निकाल दिए जिसकी वजह से कुछ जगह पे आपको कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी की कमी न महसूस होगी जो इमोशंस है वो उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वहीं पर फिल्म की जो स्टोरी है वो भी उतनी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी वो थोड़ी जंप लेती हुई नज़र आएगी जिस तरह से दो जो बीस पच्चीस मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सभी चीजें आर एक्स हंड्रेड में बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने स्टेब्लिश की हुई है तो ये सभी चीज़ें आपको दोनों फिल्म में डिफरेंस के तौर पे दिखाई देगी बाकी ओवरऑल फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी सेम है आन सिटी काफ़ी बेहतरीन वे में की कुमा कोंडा वाला किरदार प्ले कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह से अपना एक डेब्यू दिया हुआ है वहीं पर तारा सुतरिया भी अपने रोल में बढ़िया थी लेकिन जिस तरह से पायल राजपूत ने डिलीवर किया हुआ था ओवरऑल उतनी बेहतरीन तरीके से वो नज़र नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस जरूर अच्छी थी लेकिन कंपेरिजन करें तो तारा सुतरिया से बेटर आपको पायल राजपूत देखने को मिलेगी बाकी तो सौरभ शुक्ला जो डेडी का

में रिकॉर्ड किया गया था टी सीरीज लेबल के नीचे उसको तीन दिसंबर दो हजार इक्कीस को रिलीज किया गया था जहां सभी गानों को जो कंपोजिशन है अरिजीत थी, थी, तो सिंह और लिरिक्स राइटर इस साथ कामिल थे सभी गानों के लिरिक्स राइटर थे इस साथ कामिल और जो कंपोजर से कंपोजर थे वो थे प्रीतम दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में जिसको गाया हुआ शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह चरण ने तीसरा गाना तू मेरा हो गया जिसको गाया हुआ है जुबिन नोटियाल ने चौथा गाना इसका ना जिसको गाया हुआ बी प्राग डीनो जेम्स पाँचवा गाना था तेरा सिवा जग में कैफे एडिट जिसको गाया हुआ है दर्शन रावल ने छठा गाना ये दिल्ला मर जिसको गाया हुआ है नेहा कक्कर ने सातवा गाना तू मेरा हो गया इनकोर वर्जन जिसको गाया हुआ है जावेद अली ने आठवा गाना तेरे सिवा जग में रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है मोहम्मद इरफान अशीस कौर ने तो इस तरह से सभी गानों की जो लेंथ थी वो थी चौंतीस मिनट पैंतीस सेकंड सभी गाने अच्छी तरह से वर्क कर गए थे फिल्म का जो, जो जोनर था उसके प्रति हिसाब से काफ़ी बढ़िया थे उसकी प्लेसमेंट भी गानों की बढ़िया थी इस फिल्म में साथ ही में जिस तरह से इस एल्बम को रिलीज किया गया था ऑनलाइन टी सीरीज के चैनल पर तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से वर्क कर गया था तो फिल्म के गाने बैकग्राउंड स्कोर फिल्म वहाँ पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी रोमांटिक ड्रामा एक्शन जोनर इस टाइप की फिल्में रहती है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर गाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो सभी चीजें इस फिल्म में ज़रूर बेहतर थी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी साथ ही में सभी की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में हैंडल किया हुआ था डायरेक्टर ने वो सभी चीज़ें भी अच्छी थी ओवरऑल ये एक एंगेजिंग फिल्म कह सकते हैं जिसे ज़रूर देखा जा सकता है इसको मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है थिएटर में और अब आप देखना चाहते हो तो इसके जो थिएट्रिकल के राइट्स के बाद जो ओ राइट्स है वो खरीदे हुए हॉस्टार ने पहले कहा जा रहा था कि अमेजोन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आई उसके हिसाब से पता चला कि इसके राइट्स बेचे हुए सॉरी हॉस्टार वालों ने खरीदे हुए डिजनी प्लस हॉस्टार के साथ इस फिल्म के राइट्स की डील की गई जो इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिलीज़ करवाया हुआ है उन्होंने जब डिजनी हॉस्टार पर इस फिल्म को रिलीज़ किया वहाँ पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिस तरह से एक न्यू कमर को थिएटर में रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर रिस्पॉन्स इस फिल्म को ओ टी भी मिला क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते थिएटर में जिस तरह से फिल्म ने काम किया उसी तरह से फिल्म ने ओ टी टी पे भी कमाल कर दिया जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार फिल्म को जब रिलीज किया गया तो फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आई इस फिल्म को पहले उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेलर रिलीज़ किया गया था जहां पे लोगों ने अपनी जो देखने की इच्छा है वो जताई हुई थी बाद में 28 जनवरी 2022 को फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया था जहां पे फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला पहले दो दिन फिल्म ने अच्छा खासा व्यूइंग हासिल की हुई थी फिल्म को अच्छे खासे व्यूज़ मिले हुए थे और एक न्यू कमर को इतने व्यूज़ मिलना काफ़ी बड़ी बात है तो तड़प फिल्म को जब ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे सॉरी ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया अट्ठाईस जनवरी 2022 को तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो अब आपको ये फिल्म अगर देखनी है हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब तो वो डिजनी प्लस हॉस्टार पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास डिजनी प्लस हॉस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अदरवाइज़ फ़िल्म को आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए डिजनी प्लस हॉस्टार का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नहीं है तो आप ये फ़िल्म अगर फ्री में देखना चाहते हो तो तेलुगू वर्जन है उसका हिंदी डब वर्जन भी बिल्कुल फ्री में पे अवेलेबल किया हुआ है और शायद शायद दोनों फिल्में सेम है से हालांकि तो बेटर ही होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल विद हिंदी डब देखना चाहते हो तो वो आपको यूट्यूब पे वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल के दोनों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सेम नाम के साथ ये फिल्म देख सकते हो तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में यानी कि दोनों रीमेक और ओरिजिनल वर्जन दोनों का हिंदी वर्जन आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एक देखने को मिलेगा यूट्यूब पे जिसको आर एक्स के नाम से वाम इंडिया और एडवाइज मीडिया डिजिटल वालों ने अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे दूसरा जो सॉरी रीमेक वर्जन है तड़प वो आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा सेम नाम यानी कि आपके नाम से इंग्लिश सबटाइटल के साथ जहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो फिल्म को एक यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे फिल्म में कुछ चेंजेस करके फिल्म को यू सर्टिफिकेट हासिल हुआ है जिस वजह से डिज्नी प्लस हॉट पे अगर आप पंद्रह साल से बड़े बच्चे हो तो फिल्म ज़रूर देख सकते हो बिल्कुल फ्री में विथ सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तो ये फिल्म आप वहाँ पे जाके इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा फिल्म के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म को 2019 मार्च में साजिद नडियादवाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आर एक्स हंड्रेड के राइट्स खरीदे हुए हैं जो दो की तेलुगु वर्जन है उसके रिमेक राइट्स उनके पास है और वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहत शेट्टी को लॉन्च करने वाले हैं वहीं पर उनके अपोजिट हमने तारा सुतारिया को कास्ट किया हुआ है बाद में टायर डायरेक्टर के तौर पे मिलन लूथरिया को लिया गया जिन्होंने इस लव सागा को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था उन्होंने कहा हुआ था कि वो इस फिल्म को और भी एक नए मोड के साथ दिखाएंगे जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है फिल्म के जो ट्विस्ट और टर्नस है वो काफ़ी अमेजिंग है वो हिंदी ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा और बाद में आहन और तारा के परफॉर्मेंस के लिए पहले रिहर्सल करवाई गई थी जो रिहर्सल वर्कशॉप थे उसको मिलन ने फिल्म की शूटिंग से करीबन एक दो महीने पहले करवाए हुए थे बाद में फ़िल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बाईस अप्रैल दो को स्टार्ट की गई थी जो सेंट्रल प्लाजा थिएटर है साउथ मुंबई में वहाँ से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी फिल्म का मेजर पोर्सन आपको मुंबई के जो और मसूरी दो एरिया में देखने को मिलते हैं फिल्म को ओवरऑल जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई 10 मार्च 2021 को पे फिल्म के राय जो एक्टर है उन्होंने उन्होंने यानी कि अपने ट्विटर दो हजार सोशल मीडिया हैंडल पे बताया हुआ था कि उनकी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यह मेमोरी उनके साथ हमेशा साथ में रहेगी तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था बाद में फिल्म को जिस तरह से शेड्यूल किया गया था चौबीस सेप्टेंबर दो को लेकिन थिएटर में काफी घर सारी चीज़ें चल रही थी 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी कहीं पे भी थिएटर बंद भी थे तो इस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया करीबन इक्कीस सौ सात स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड फिल्म को रिलीज़ किया गया था जिसको डिसेंट रिस्पांस मिला किसी डेब्यूडेंट एक्टर के लिए इतना डिसेंट रिस्पॉन्स भी वो भी कोविड नाइन्टीन के बाद अच्छी खासी बात होती है और इस तरह से फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पहले 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था ये वो जो एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा उसके बाद फिल्म को ओ टी टी पर रिलीज़ करने वाले थे जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास थे लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते फिल्म के प्रोड्यूसर और अमेजॉन प्राइम वीडियो के बीच में डील कैंसिल हो गए उसके बाद फिल्म को डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचा गया जिन्होंने इस फिल्म को अट्ठाइस जनवरी दो को डिजनी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पर अच्छा खासा अमंगस

चैनल पे आप वो फिल्म देख सकते हो। तो ये दोनों फिल्म आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को पे पे, डब में देखने को मिलती है वहीं पे फिल्म को डिजनी प्लस पे विथ सब्सक्रिप्शन आप ये फिल्म सेम नाम के साथ देख सकते हो वहां पे तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑफिशियली आप इस फिल्म को इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी जो बातें थी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे साथ ही में फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा डीप एनालिसिस फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म की अवेलेबिलिटी कहाँ पे फिल्म फिल्म फ्री में ऑफिशियली अवेलेबल है साथ ही में जो रीमेक वर्जन है वो कहाँ पर फ्री में ऑफिशियली अवेलेबल है उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेलिंग में बातचीत कर ली है तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू